जय जिनेंद्र, आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लाइफ आफ्टर डेथ। सबसे पहला सवाल, हु एम आई, मैं हूं कौन? यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं सब बहुत ज्ञानी हैं। सो आई एम श्योर हमें यह ज्ञान बहुत अच्छे से मालूम है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम किस बोध में जी रहे हैं। हम शरीर बोध में जी रहे हैं कि हम आत्म बोध में जी रहे हैं? जानते तो हम सब हैं, ज्ञान तो हम सबको है, लेकिन हमें कंटिन्यूअसली अपने ऊपर एक दृष्टि रखनी पड़ेगी यह देखने के लिए कि हमारा जीवन शरीर बोध का है कि आत्म बोध का है, हम बॉडी कॉन्शियसनेस में है कि हम सोल कॉन्शियसनेस में है। जब हम अपना मेजॉरिटी फोकस, अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पे लगाते हैं और शरीर से रिलेटेड वस्तुओं पे, चीजों पे हमारा पूरी चेतना, हमारा पूरा ध्यान लगा रहता है, तो हमारा शरीर बोध प्रबल हो जाता है। हम बॉडी कॉन्शियसनेस में ज्यादा करके रहते हैं, इसी धरती को हम अपना परमानेंट रेसिडेंस समझ लेते हैं, हमारा परमानेंट एड्रेस, हमें लगता है कि यही धरती है और यही शरीर हमारे लिए सर्वोपरि हो जाता है और हम अपना पूरा जीवन इसी के साथ श्रृंगार और देख रेख में हम बिता देते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर हमारा आत्मबोध प्रबल होता है तो हमारा पूरा फोकस होता है कि किस तरह से हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। हम अपने आत्म कल्याण हेतु अग्रसर रहते हैं, आतुर रहते हैं और हमें इस बात का अच्छे से भान होता है कि ये शरीर हमने धारण किया है सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मा के ऑब्जेक्टिव्स, उसके एजेंडा की पूर्ति के लिए। यह शरीर धारण करने का कारण ही है कि हमने जो अपने आत्मा के लिए एजेंडाज रखे हैं, आत्मा का जो हमारा एजेंडा है, जो हमने सूक्ष्म लोक में, वो हम डिस्कस करेंगे जब रीइंकार्नेशन के बारे में बात करेंगे, कि हमने खुद ने अपने लाइफ के पर्पस को, लाइफ के एजेंडा को डिसाइड किया है। तो ये शरीर धारण उसी लिए हुआ है कि हम वो कर सके और हम उससे भटकते नहीं है, उसी पर हम अटल रहते हैं और हमें इस बात का भली भांति ज्ञान होता है कि ये जो धरती है ये हमारा टेम्पररी है, ये ट्रांजिट है, ये एक क्या मैं कहूँ, एक हॉलिडे स्पॉट है या फिर एक ट्रैवल स्पॉट है, वॉट एवर, बट हमारा जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वह सूक्ष्म लोक है। हम यहाँ पे बहुत थोड़े समय के लिए आए हैं और आए भी हैं एक रिटर्न टिकट के साथ में। ये बात हम सबको अच्छे से मालूम है कि हम एक रिटर्न टिकट के साथ आए हैं और वो रिटर्न टिकट भी स्टैम्प्ड है विद अ प्रॉपर टाइमलाइन। बट इस बात को जानना हमें बहुत जरूरी है कि हमारे मरने का डेट तय नहीं है, हम कितने साल जिएंगे वो तय नहीं है, हम कितनी श्वासें लेंगे वो तय है, हमारे नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर हमारा लाइफ निर्भर करता है, हमारे नंबर ऑफ डेज पर नहीं करता। तो जिसकी श्वास जितनी गहरी होती है वो उतना लंबा जीता है और जिसकी श्वास जितनी हल्की होती है, सतही होती है, वह उतना कम जीता है। तो जो सोल कॉन्शियस लोग होते हैं, जो आत्मबोध में जीते हैं, उनकी श्वास हमेशा बहुत गहरी होती है क्योंकि वो बहुत संतुष्टि के साथ में रहते हैं। और वहीं जो बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं उनमें विकार बहुत होता है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, और ये विकारों के कारण उनकी जो श्वास होती है वो बहुत हल्की होती है और इसलिए उनकी आयु अपने आप कम हो जाती है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें ये जानना कि हम एक रिटर्न टिकट के साथ में आए हैं। तो जाना तो हम सबको है ही, जाना तो हम सबको है ही। सो वेयर डू आई बिलोंग टू? आई डोंट बिलोंग टू दिस यूनिवर्स, आई बिलोंग टू दैट यूनिवर्स। दिस यूनिवर्स इज अ ट्रांजिट फॉर मी, दैट यूनिवर्स, वो सूक्ष्म जगत हमारे लिए परमानेंट है। एंड व्हाई आई एम हियर? आई एम हियर टू फुलफिल दी पर्पस ऑफ माई सोल, मैं अपने सोल एजेंडा की पूर्ति के लिए यहाँ पर आया हूँ। देन व्हाई डू आई फियर डेथ?
पता नहीं कितने जन्म हमने ले लिए हैं और कितने जन्म हम लेंगे, कितनी बार डेथ को हमने फेस कर लिया है, बट फिर भी मृत्यु का भय हमें क्यों है। एक्चुअल में भय मृत्यु का नहीं है, भय अननोन का है। हम डरते हैं अननोन से। जस्ट एक एग्जाम्पल दूंगी, अगर आपको यहां से अमेरिका जाना है और आपको मालूम ही नहीं कि कौन से एयरलाइन से जाना है, आपकी वीजा बनी है कि नहीं बनी है, जो करेंसी आपको लगेगी वहां जाने के लिए वो आपके पास है कि नहीं है, आपको वहां लेने के लिए कौन आएंगे, कौन से डेस्टिनेशन में आपको उतरना पड़ेगा, कोई ट्रांजिट फ्लाइट है कि नहीं है, आप वहां जाओगे तो कहाँ रहोगे, वहां पे क्या करोगे, अगर ये सारे क्वेश्चंस पे अगर क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो आपको अमेरिका जाने का एक्साइटमेंट होगा कि फियर होगा? नेचुरली फियर होगा। अमेरिका ही क्यों, हम 50 किलोमीटर दूर कहीं भी जाएंगे तो भी हमें फियर होगा। तो फियर इज ऑफ द अननोन। बट वही अगर हमें सारी क्लैरिटी होगी कि कौन से एयरलाइन से जाना है, वीजा हमारे पास में है, करेंसी है, कहाँ उतरना है, कोई एक ट्रांजिट फ्लाइट लेनी है तो कौन सी लेनी है, कितना देर का हमारा गैप है, वहां में रिसीव कौन कर रहा है, वहां हम रहे किसके पास रहे, और वहां जाके हमारा एजेंडा क्या है, एंड अगर वापस आना है तो मेरा रिटर्न स्केड्यूल क्या है, अगर ये प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर प्लान के साथ अगर मैं जाती हूँ तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट माई जर्नी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आई एम सो एक्साइटेड, आई स्टार्ट मेकिंग प्लान कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, एंड उसके लिए मैं प्रिपरेशन चालू कर देती हूँ कि वहां जाऊं, भाई एक महीने के लिए जा रही हूँ, 20 days के लिए जा रही हूँ, मेरा वहां का स्टे मैक्सिमम हो, बेस्ट हो, so let me start preparing for it, right? We start doing that. Then why not for this? Okay, death तो अटल है, शाश्वत है, होना ही होना है। हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सबके साथ एक बात तो कॉमन है, और वो कॉमन बात ये है कि हम सबको मरना है, कभी ना कभी मरना ही है, हम में से कोई भी अमर नहीं है। तो जब हमें मरना ही है, then why not plan it properly? हम इतने प्लान्स करते हैं अपने जीवन के, तो इसका प्लान क्यों नहीं बराबर करें? हम क्यों ना जाने कि आगे क्या होगा हमारे साथ, और उसको पाने के लिए हमें अभी किस तरह की प्रिपेयर्डनेस करनी है, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन जितनी पक्की होगी, हमारी जर्नी उतनी ब्यूटीफुल होगी, वहां का स्टे उतना ब्यूटीफुल होगा, एंड रिटर्न जर्नी भी उतनी ऑसम रहेगी। तो आज का हमारा जो सेशन है वह इसी के बारे में है कि कैसे हम अपने इस जर्नी की प्रिपेयर्डनेस बेस्ट से बेस्ट तरीके से कर सकते। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे 5 शरीर क्या हैं एंड व्हाट रोल दे आर प्लेइंग अपॉन डेथ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट शरीर जो हमें इम्पॉर्टेंट लगता है, बट ऑफकोर्स इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट हमें बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है एंड इस जगत के लिए नेचुरली वो इम्पॉर्टेंट है भी, बिकॉज उसी के कारण हम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो है हमारा अन्नमय कोश। एंड जब हम मरते हैं तो एक्चुअल में अन्नमय कोश ही मरता है इंस्टेंटली, ये आप रेड में देख पा रहे हैं अन्नमय कोश को। एंड सेकेंड है हमारा प्राणमय कोश, जिसे एथरिक डबल भी कहते हैं। अन्नमय की हूबहू फोटोकॉपी होती है प्राणमय कोश, विथ वन डिफरेंस, अन्नमय जो है हार्ड मास का बना हुआ है, स्थूल है, ग्रॉस है, हम उसे अपने 5 सेंसेस से फील कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वी कैन एक्सपीरियंस इट थ्रू आवर 5 सेंसेस। बट जो प्राणमय है वो सूक्ष्म है, वो एनर्जी का बना है, सेम टू सेम, एंड कनेक्टेड भी है, क्योंकि प्राणमय में जो प्राण ऊर्जा प्रवाहित हो रही है उसी से हमारा अन्नमय शरीर जो है वो जीवित है, और ये जो प्राण ऊर्जा है वो वो प्राणमय एंड अनन्मय वो दोनों कनेक्टेड है सिल्वर कॉर्ड के थ्रू, ये एक सूक्ष्म कॉर्ड है सिल्वर कॉर्ड, जिसके थ्रू प्राणमय एंड अनन्मय कनेक्टेड है। तो जब तक ये कॉर्ड कनेक्टेड होता है, प्राणमय से प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है अन्नमय में, एंड अन्नमय जीवित रहता है, और जैसे ये सिल्वर कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो जाता है, प्राण ऊर्जा प्रवाहित होना बंद हो जाता है, एंड अन्नमय कोश की मृत्यु हो जाती है। हमारे बहुत सारे योगी हैं, सन्यासी हैं, हमारे आचार्य हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, जो हिमालयों की श्रृंखलाओं में
और कहाँ कहाँ गुफाओं में, और बहुत हमारे बीच में भी हैं जिन्हें बहुत सिद्धि प्राप्त है और जिनके पास ये पावर्स है, जिन्होंने अपने तपोबल से ऐसे पावर्स अर्जित किए हैं कि वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो अपने प्राणों को अपने शरीर से निकालकर पूरे सूक्ष्म जगत का एस्ट्रल वर्ल्ड को ट्रैवल कर सकते हैं और ट्रैवल करके वहां से ऊर्जा को प्राप्त करके ग्रहण करके वापस से शरीर में आ सकते हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उनका प्राणमय और अनन्मय कनेक्टेड है। तो सिल्वर कॉर्ड जब तक कनेक्टेड होगा, हम चाहे तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं और बॉडी में तो हम जीवित रहेंगे ही, लेकिन जिस क्षण सिल्वर कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो गया, हमारे अनन्मय कोश की मृत्यु हो जाती है। और ये जो एथरिक डबल है, ये भी ज्यादा देर तक रहता नहीं, ये भी 3 to 5 days के अंदर ये भी डिसॉल्व हो जाता है, ये आगे की यात्रा में नहीं जाता। डिसॉल्व कितना फास्ट होगा वो टोटली डिपेंड करता है कि हम अपने शरीर बोध में जी रहे हैं कि हम अपने आत्म बोध में जी रहे हैं। जिसका शरीर बोध प्रबल होता है उसे अपने शरीर को त्यागने में डिफिकल्टी जाती है, तो उसे समय लगता है अपने प्राणमय कोष को त्यागने में और सूक्ष्म जगत में बढ़ने के लिए, लेकिन जिसका आत्मा बहुत प्रबल होता है वो तुरंत डिटैच हो जाता है और इमीडिएटली त्याग कर आगे की जर्नी में अग्रसर हो जाता है। तो अन्नमय और प्राणमय दोनों इस धरा पर रह जाते हैं। तो आगे क्या जाता है? आगे जाता है हमारा बाकी 3 शरीर, मनोमय, ज्ञानमय और आनंदमय। मनोमय कोश, जैसा कि नाम है, हमारा माइंड बॉडी, हमारा मन, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, ये सब मनोमय कोश में है। जितने भी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, ट्रॉमास है, फियर है, फोबिया है, लाइक्स है, डिसलाइक्स है, मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू योर इमोशन, योर फीलिंग्स, योर थॉट्स, दे ऑल कॉम्प्राइज योर मनोमय कोश, आपके मनोमय कोश को बनाते हैं। और इस यही कारण है कि हम किसी इंसान से फर्स्ट टाइम मिलते हैं और वो हमें देखते ही ऐसा लगता है कि मानो जन्म जन्म का रिश्ता हो, और कभी किसी से मिलते हैं बात भी नहीं करते पर देख के लगता है कि नहीं, इसके साथ नहीं रहना, मैं बस यहाँ से चला जाऊं। तो कारण क्या है? कहीं ना कहीं कोई ना कोई जन्म में हमारे मनोमय कोश में उस इंसान को लेकर कोई फीलिंग्स और इमोशंस स्टोर्ड हो गए होंगे। तो शरीर तो नहीं जानता एक दूसरे को, लेकिन हमारा मनोमय कोश जानता है, हमारी आत्मा जानती है एक दूसरे की आत्मा को, और वहीं से वो लाइक्स और डिसलाइक्स जनरेट होते हैं, फोबियाज होते हैं लोगों को, किसी को हाइट का फोबिया है, किसी को वाटर का फोबिया, बहुत तरह तरह के फोबिया है। अगर हम पास्ट लाइफ में जाएंगे तो कहीं ना कहीं पाएंगे कि वाटर के कारण या हाइट के कारण या कोई भी चीजों के कारण उनको कुछ ना कुछ बहुत इमोशनल धक्का लगा था, ट्रॉमा लगा था, वो ट्रॉमा इतना डीप हो गया कि अब जब भी वो उस सिचुएशन में आते हैं वो ट्रॉमा एग्रवेट हो जाता है मनोमय कोश से और वो डर जाते हैं। तो ये है हमारा मनोमय कोश जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आता है ज्ञानमय कोश, जहां ब्रह्मांड का ज्ञान छुपा हुआ है, हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे ज्ञानमय कोश में है। 84 लाख योनियों में जिन जिन योनियों में भटके हैं उन उन योनियों के सारे संस्कार हमारे ज्ञानमय कोश में अंकित है। और इसके आगे हम बढ़ते हैं तो आता है आनंदमय कोश, और आनंदमय कोश में सत्यचित आनंद की अवस्था है, और यही वो अवस्था है जिसको प्राप्त करने के लिए आत्मा इतनी लंबी 84 लाख की योनियों की जर्नी को कवर कर रही है। अल्टीमेटली पहुंचना यही है हमें आनंदमय कोश में। तो जब मृत्यु होती है तो इंस्टेंटली अन्नमय कोश की मृत्यु हो जाती है, थोड़े समय पर प्राणमय कोश की हो जाती है, और मनोमय, ज्ञानमय और आनंदमय ये 3 शरीर आगे बढ़ते हैं सूक्ष्म जगत की यात्रा के लिए, और ये 3 शरीर हमारे हर इनकार्नेशन में हमारे साथ रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने कॉन्शियसनेस की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है हमें अपने कॉन्शियसनेस को जानना कि हमारी चेतना कहाँ है, क्योंकि जहां पर हमारी चेतना होती है वहीं से हमारे प्राण निकलते हैं और वही हमारे आगे की जर्नी को डिसाइड करती है। तो हमारे 7 मेन कॉन्शियसनेस के पॉइंट्स हैं बॉडी में, हमारे वो 7 चक्र हैं,
चक्रों के बारे में कुछ वीक्स पहले ही हमने एक बहुत डिटेल्ड सेशन लिया था, तो आप चाहें तो उसे रेफर भी कर सकते हैं। यूट्यूब में ऑलरेडी उसका वीडियो डाला हुआ है, आप उसे रेफर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम चक्रों को डिटेल में जानें, क्योंकि यही चक्र ABCD है हमारी स्पिरिचुअलिटी के। हम अपने स्पिरिचुअल जर्नी में जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं और अपने इस जीवन को और आगे के जीवन को का जो कल्याण करना चाह रहे हैं, वह कल्याण सिर्फ और सिर्फ चक्रों की शुद्धता से ही पॉसिबल है, उसके कॉन्शियसनेस को रेज करने से ही पॉसिबल है। तो सबसे पहला चक्र है हमारा जो लाल कलर का आपको दिख रहा है, मूलाधार चक्र। तो ये चक्र जो है ये हमारे सर्वाइवल के लिए है। तो जिन लोगों का पूरा जीवन और पूरा ध्यान सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान में लगकर हो जाता है कि भाई अभी क्या खाए, शाम को क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे जिएंगे, बस अपनी बेसिक नीड्स को ही पूरा करने में, अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करने में ही जिनका पूरा जीवन चला जाता है और वो हायर गोल्स की तरफ नहीं जा पाते, तो उनकी चेतना जो है वो मूलाधार में केंद्रित हो जाती है, वहां पर अटक जाती है। फिर इसके बियॉन्ड जाते हैं हम स्वादिष्ठान, जो ऑरेंज कलर का हमारा चक्र है, आप देख पा रहे हैं सेकंड नंबर चक्र। तो जो भोगी और विलासी होते हैं, खाना तो मिल गया लेकिन और गरिष्ठ भोजन कैसे मिल सके, कपड़े तो मिल गए लेकिन और ब्रांडेड और अच्छे कपड़े कैसे मिल सके, गाड़ी तो है पांच, छुट्टी कैसे आ सके। सर ये सब होने या करने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अपनी चेतना को उसमें अटकाने में। है मेरे पास पांच गाड़ी, छठी आ गई, सातवीं आ गई, भगवान की कृपा है, नो प्रॉब्लम, बट मैं पूरी एनर्जी उसी पे लगाऊं और सारा मेरा मन उसी में अटक के रह जाए, प्रॉब्लम वहां पर है। क्योंकि जैसे जैसे आध्यात्मा का विकास होता है ना, हमारे भौतिक जगत का भी विकास होता है, हमें बहुत ऐश्वर्य और संपन्नता प्राप्त होती है। तो ऐश्वर्य संपन्नता आना प्रॉब्लम नहीं है, ये ना सोचिए कि हमारे पास ऐश्वर्य आया तो वो गलत है, आया तो उसको परोपकार में लगाइए ना। आपको भगवान ने सुयोग्य बनाया तो आप उसको परोपकार में लगाइए, लेकिन आप उसकी उसमें बिल्कुल अटक गए हैं तो वहां प्रॉब्लम आ जाती है। आप उसे परोपकार नहीं कर रहे हैं, आप उसे बांट नहीं रहे हैं, उसे शेयर नहीं कर रहे हैं, उसे बंद करके रखे और अपनी पूरी चेतना को उस पर एकत्रित करके रखे, प्रॉब्लम वहां आ जाती है। और जिसकी चेतना स्वाधिष्ठान में केंद्रित है तो उसके प्राण वहां से निकलते हैं। और उसके ऊपर येलो कलर का हमारा जो चक्र है वो है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो है वह हमारे पावर, प्रेस्टिज, सोशल स्टेटस, मनी, ये सारी धन दौलत, ऐश्वर्य, समाज में प्रतिष्ठा, पावर, पोजीशन, ये सब पर सारा फोकस लेके आता है। तो जो लोग इस पर अटके रहते हैं कि भाई कैसे मेरा, भाई दान तो कर दिया लेकिन नाम आया कि नहीं आया, मैक्सिमम लोगों को पता चला कि नहीं पता चला, सोसाइटी में अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, मेरे को ये पोजीशन मिली कि नहीं मिली, उसी में जब अटक के रह जाते हैं तो उनका पूरा जो चेतना होती वहां पर रहती और प्राण वहां से निकलते हैं। तो ये जो मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर है, अगर मनुष्य की चेतना यहाँ अटकी रहती है तो ये नीच के चक्र हैं, क्योंकि ये तीनों चक्र में हमारा टोटल फोकस मैं है, आई आई एंड ओनली आई, जबकि भगवान ने जो आत्मा बनाई है वह परोपकार के लिए बनाई है कि स्वयं का भी कल्याण हो औरों का भी कल्याण हो, सिर्फ मेरा 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 करने के लिए नहीं बनाई है। तो ये तीन चक्र में रहने वाले लोग ज्यादा करके फोकस्ड रहते हैं सिर्फ मेरा के ऊपर कि मेरा कैसे बेटर हो। तो ये तीन चक्र से जब प्राण निकलते हैं तो मन मल मूत्र विसर्जित करके निकलते हैं या पेट चिपट जाता है, इस तरह की क्रियाएं होती हैं, तो उन्हें निच की योनि मिलती है। वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे जब हम एस्ट्रल वर्ल्ड का डिस्कशन करेंगे। तो ये तीन चक्र से जब हमारे प्राण निकलते हैं तो हमारी चेतना बहुत लो होती है और हमें निच की योनि मिलती है। इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो हम आते हैं अनाहत चक्र, वो हमारे हार्ट सेंटर पे है। और अनाहत चक्र जो है यहाँ से परोपकार का भाव हमारे अंदर शुरू होता है, परोपकार की भावना, निस्वार्थ भावना, लोगों के जन कल्याण की भावना, ये सब अनाहत से शुरू होता है, अनकंडीशनल लव, ये सब यहीं से शुरू होता है। और ये जो है ये हमारा मिडिल लेवल चक्र हो गया। फिर आता है विशुद्धि, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, ये तीनों को हम कहेंगे हायर लेवल चक्र। यहां से जब प्राण निकलते हैं तो वो मनुष्य को उच्च की गति, बहुत श्रेष्ठ योनि प्राप्त होती है। तो विशुद्धि चक्र, जैसा कि नाम है विशुद्धि यानी शुद्धि, तो जिसका मन, वचन, काय, भाव सब शुद्ध होता है
और जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अग्रसर रहता है उसका विशुद्धि चक्र जो है वो एक्टिवेटेड रहता है और उसकी चेतना विशुद्धि चक्र में रहती है। और इसके ऊपर आता है आज्ञा। आज्ञा जो है वो जो विशुद्धि में हमें ज्ञान मिला और शुद्धता मिली आज्ञा उसे यूटिलाइज करता है। गुरु के सानिध्य में गुरु की कृपा को प्राप्त करके वह ये सारी चीजों को अनुभव करता है और जन कल्याण करता है उसे अनुभव कराता है। तो उसका आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है। और ये सहस्रार जो है जब हम कॉस्मिक एनर्जी के साथ जब हम ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जब हम परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहते हैं सदैव एक डोर हमेशा उनके साथ जब कनेक्टेड रहती है तो हमारा सहस्रार एक्टिवेटेड रहता है। तो जब हम विशुद्धि आज्ञा और सहस्रार में जब हमारी चेतना रहती है तो ये हायर ऑर्डर चक्रास हो गए। हम हमेशा एक हायर लेवल पर जाते हैं सूक्ष्म जगत में और अनाहत में होते हैं तो वो मिडिल लेवल हो गया। एंड मणिपुर स्वादिष्ठान और मूलाधार नीचे के चक्र हो गए और ये हमें ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस में रखते हैं और विशुद्धि आज्ञा और सहस्रार हमें सोल कॉन्शियसनेस में आत्मबोध में रखते हैं। एंड योर कॉन्शियसनेस डिसाइड्स योर प्लेस इन द एस्ट्रल वर्ल्ड। जैसी जहां पर हमारी चेतना केंद्रित होती है सूक्ष्म जगत में हमें वही पोजीशन मिलती है। सेम एज भौतिक जगत, बस वहां पे सूक्ष्म जगत में चेतना हमारा यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, भौतिक जगत में पैसा है। जिसके पास ज्यादा पैसा है वो एक ऐसे लोकैलिटी में रहेगा जो बहुत जिसे कहते हैं पॉश लोकैलिटी, जहाँ बड़े बड़े बंगलोज होते हैं और बहुत अच्छा अच्छा होता है। जिसके पास पैसे बहुत कम होते हैं वो स्लम में रहेगा, है ना। तो और जो ठीक ठीक होता है वो एक मिडिल क्लास पर्सन भाई एक अपार्टमेंट में रहेगा जिसके पास फ्लैट होंगे वगैरह वगैरह। तो जो हमारा यहाँ का है आप देखो कि भौतिक जगत और सूक्ष्म जगत में डिफरेंस ज्यादा कुछ है नहीं, सेम टू सेम है। खाली मापदंड का तरीका बदल जाता है। वहां पे मापदंड का तरीका है आपकी चेतना आपके कर्म और यहाँ पे मापदंड का तरीका है आपका नाम आपका पैसा आपकी शोहरत आपका ऐश्वर्य ये सब है। तो हम चर्चा करेंगे कि व्हाट हैपेंस इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर डेथ। जब प्राण त्यागने का समय आता है तो समय के ठीक पहले क्या होता है और ठीक बाद में क्या होता है। तो यहाँ पर दो डिफरेंट केसेस जनरेट होते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस वाले लोगों के लिए जिनकी चेतना निच के चक्रों में जिनकी चेतना लो है उनके साथ बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। एंड सोल कॉन्शियसनेस वाले लोग जो आत्मबोध में रहते हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट रहता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बॉडी कॉन्शियसनेस वाले लोगों के साथ में क्या होता है। तो जिनकी चेतना निज के चक्रों में केंद्रित होती है जो शरीर बोध में रहते हैं जिनमें विकार काफी होते हैं जो मैं की भावना से परिपूर्ण होते हैं तो जब शरीर त्यागने का समय आता है तो उनके अंदर बहुत घबराहट हो जाती है। घबराहट क्यों? पहला तो जैसा कि मैंने कहा फियर ऑफ अननोन, उनका शरीर बोध इतना है कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे होगा क्या। इस शरीर को ही वो सर्वस्व मानते हैं क्योंकि पूरा जीवन तो उसी में लगा दिया। इस संसार को ही वो अपना मानते हैं क्योंकि सब कुछ तो इस संसार के लिए किया, इसी के लिए इकट्ठा किया, इसी के लिए संवारा सजाया बनाया सब कुछ किया। और आज उन्हें पता चल रहा है कि ये सब कुछ छोड़कर उनको कहीं और जाना है, पता ही नहीं कहाँ जाना है। तो इससे उनको बहुत घबराहट हो जाती है। तो बहुत फियर फैक्टर उनके अंदर होता है। प्लस अंदर ही अंदर वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने कर्म अच्छे नहीं किए हैं तो वो डरे हुए रहते हैं। लेकिन प्रकृति फिर भी उनको मौका देती है। जस्ट लिटिल टाइम बिफोर योर डेथ, मृत्यु के थोड़े समय पहले आपके सामने से आपका पूरा जीवन एक 3D मूवी की तरह चलता है जहां आप अपने जीवन के सारे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स और एपिसोड्स को देख पाते हो और प्रकृति आपको एक आखिरी मौका देती है अपने कर्मों को सेटल करने की कि भाई कहीं पे आपने किसी का दिल दुखाया तो माफी मांग लीजिए, कहीं पे किसी ने आपका दिल दुखाया जाने अनजाने में और आपने अंदर बहुत सारे ग्रज बांध के रखे हैं तो आप उसे क्षमा कर दीजिए, अनकंडीशनल लव दे दीजिए। जहां जहां आपको लगा कि आपने कोई भी विकार प्रदर्शित किया है आपने सही जीवन नहीं जिया है तो प्रकृति आपको मौका देती है कि कर लो, आखिरी मौका है कर लो। लेकिन
इस मौके पर भी मैक्सिमम लोग चूक जाते हैं, क्योंकि जो काम उन्होंने जीवन भर ही नहीं किया वो आखिरी समय में क्या कर लेंगे। जो करने का हमें जीवन भर अभ्यास रहता है हम वही आखिरी समय पे कर पाते हैं। कहा जाते आखिरी समय भगवान का नाम मुंह पर होना चाहिए, मन में बहुत करुणा वात्सल्य प्रेम का भाव होना चाहिए, इस तरह की बहुत सारी बातें कही जाती है। और ये भी कहा जाता है कि जो मनस्थिति आपकी मरने के टाइम होती है वही सबसे सर्वोपरि है, उसी के हिसाब से आगे की जर्नी होती है। लेकिन वो मनस्थिति जो है वो अचानक से तो डेवलप नहीं हो जाएगी, वो मनस्थिति तो जो जीवन आपने जिया है इतने साल उस पर निर्भर करती है। आप 1 सेकंड में कैसे अपनी मनोस्थिति को चेंज कर लोगे? इनफैक्ट उस समय तो आपकी मनोस्थिति और डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर फियर एंग्जाइटी ये सब और ज्यादा उत्तेजना और ज्यादा होता है। तो अगर आपको प्रैक्टिस ही नहीं है वात्सल्य करुणा और प्रेम का, तो आप क्या दिखा दोगे लास्ट मोमेंट पे? तो इसलिए वो लोग नहीं कर पाते। प्रकृति मौका देती है लेकिन फिर भी उनसे वो क्षमा या क्षमा देना, क्षमा लेना, प्रेम दिखाना, वो सब नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें अभ्यास ही नहीं है। और इसके बाद जब उनके प्राण निकलते हैं तो नेचुरली नीच के चक्रों से निकलते हैं, और जब वो प्राण निकलते हैं तो बहुत पीड़ा वाली स्थिति होती है। ऐसा लगता है जैसे हजारों केकड़ों ने उनको डंक मार दिया हो, इतनी पीड़ा और इतनी वेदना उन्हें होती है जब उनके प्राण निकलते हैं। उसका कारण ये है कि वो प्राणों को निकलने नहीं देते, वो चाहते कि वो अटके रुके नहीं निकले, और प्राण निकलना चाह रही है। इस तरह की एक फाइट चलती है शरीर और प्राण के बीच में, और इस तरह की वेदना होती है। और फिर जैसे ही प्राण निकल जाता है तब तुरंत एक हल्कापन का महसूस हो जाता है उन्हें, बिकॉज फिर वो शरीर बोध में नहीं रहते, वो एक अपने एथरिक बॉडी में आ जाते हैं, अपने प्राणमय कोश में आ जाते हैं, और तब उन्हें फिजिकल प्रॉब्लम से वो परे हो जाते हैं। उनको जो फिजिकल तकलीफ हो रही थी, अगर कोई सपोज बहुत डिजीज से मरता है, उसके शरीर में बहुत पेन भी होता है, मरने के एकदम तत्क्षण ही उसके शरीर का सारा पेन सारी पीड़ा खत्म हो जाती है। तो शारीरिक रूप से तो आप हील्ड हो जाते हो, आपकी पीड़ा खत्म हो गई, क्योंकि शरीर ही नहीं तो पीड़ा किस बात की। लेकिन आपका मनोमय ज्ञानमय आनंदमय जागृत है, तो आप अपने डिजायर्स अपने इमोशंस अपने थॉट्स के परे नहीं जा पाते। आपके इमोशंस अगर रिवेंज के हैं, एंगर के हैं, दुख के हैं, वेदना के हैं, संताप के हैं, तो आपको कटोचते रहते हैं, आपको बहुत पीड़ा देते हैं। और हम इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं अपने दूसरे सिनारियो पे जहां पे आत्मबोध है, जहां ज्ञान है कि ये शरीर तो क्षणभंगुर है, इसे हमने लिया था किस लिए? सिर्फ अपने आत्मा के कार्य की पूर्ति के लिए, और अब वो कार्य पूरा हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है और एक नए शरीर को धारण करना है, इस शरीर का हो गया काम पूरा। तो उन्हें शरीर के प्रति कोई माया नहीं रहती, कोई अटैचमेंट नहीं रहता। और जैसे ही ऐसी आत्माओं को पता चलता है कि उन्हें अब त्यागना है, वो इमीडिएटली सब परिवार वालों को बुला लेते हैं, फोन कर लेते हैं एक दूसरे को, अगर कोई नहीं आ पाता है क्षमा मांग लेते हैं स्थूल रूप में या सूक्ष्म रूप में, और जो दान्य पुण्य करना होता है, जो जो उनकी कुछ आखिरी इच्छाएं रह जाती है कि भाई ये भी कर लूं वो भी कर लूं, जो भी सत्कर्म के कार्य है वो सब कर लेते हैं, और फिर समाधिष्ठ हो जाते हैं। और समाधिष्ठ होकर अपने हायर लेवल चक्रा से अपने प्राणों को त्यागते हैं। और ये प्राण त्यागने का प्रोसेस भी बहुत डिवाइन बहुत ब्यूटीफुल होता है, क्योंकि उस समय फाइट नहीं होती, आप सपोर्ट करते हो यूनिवर्स को कि वो प्राण निकले, और इस सपोर्ट में बहुत सहज भाव में बहुत ही प्रेम पूर्वक वो प्राण निकलता है। और वो जब प्राण निकलता है तो यह एक उत्सव का माहौल होता है, और उस आत्मा को बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं होता अपने शरीर के साथ। ये आत्मा इमीडिएटली अपने एथरिक बॉडी को भी त्याग देती है, और जब एथरिक बॉडी को त्याग देती है तो उनको रिसीव करने आते हैं हायर लेवल सोल। हम अगर हमारे यहाँ कोई गेस्ट आता है तो गेस्ट की कैटेगरी के हिसाब से हम गाड़ी भेजते हैं,
या हम रिसीव करने के लिए भेजते हैं। अगर कोई हमारे बहुत क्लोज टू हार्ट कोई आते हैं, हमारे माता पिता आ रहे हैं, भाई बहन आ रहे हैं, हमारे बहुत क्लोज परिवारजन आ रहे हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, हमारे जो हम हमारे बहुत प्रिय हैं, तो हम खुद जाते हैं उनको लेने के लिए, अपनी बेस्ट गाड़ी को लेके जाते हैं, घर को अच्छे से तैयार करते हैं, अच्छा अच्छा पकवान बनाते हैं, पूरा मेन्यू प्लानिंग करते हैं कि भैया 2 दिन रुकेंगे, 3 दिन रुकेंगे, भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर में क्या बनना चाहिए, कहाँ घूमना है, कहाँ जाना है, सारी। और एक उत्सुकता रहती है हमारे अंदर, एक एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ भाई वो आ रहे हैं, हम कैसे उनके स्टे को बेस्ट कर सके और उनके साथ मैक्सिमाइज कर सके अपने टाइम को और अपने इमोशंस को। और वहीं दूसरी ओर कोई ऐसे ही कोई आ रहा है जिसे आप जानते पहचानते नहीं हो, या कोई स्टाफ है, या कोई भी है जिससे आपका उतना कोई रिश्ता नहीं है, तो कोई भी चला जाता है लेने के लिए, कई बार जाता भी नहीं है, आप एड्रेस भेज देते हो, बोलते भाई ओला पकड़ के आप आ जाना यहाँ पर, और आप किसी के जिम्मे दे देते हो, भाई देख लेना ये आए हैं बराबर से, इनका ख्याल हो जाए, आपका उतना इमोशंस नहीं लगता उसके साथ में। तो सिमिलर ये सूक्ष्म जगत के साथ भी होता है, जब एक उच्च कोटि की आत्मा प्राण त्याग आती है, तो उस आत्मा को रिसीव करने के लिए हायर लेवल सोल्स आते हैं, उनके में भी परिवार के लोग हो सकते हैं जो बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हूं, जो उनसे पहले जा चुकी हूं, उनके गुरु हो सकते हैं, अगर बहुत श्रेष्ठ आत्मा है तो साक्षात ईश्वर भी हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, जो उनको लेने के लिए आए कि वो इस जगत से उस जगत पर जा सके। लेकिन जब बॉडी कॉन्शियसनेस वाले लोग अपना देह त्यागते हैं, तो उनको लेने के लिए उन्हीं के टाइप के कॉन्शियसनेस के आत्माएं आती हैं। तो अगर हमारी चेतना अच्छी नहीं है, तो हमें लेने आएंगे वैसी ही आत्माएं जिनकी चेतना भी हमारे हिसाब की है, एक सेम लेवल, एक सम भाव की स्थिति रहती है। सो नेचुरली जो हमने आज तक सुना है कि भाई यमदूत आते हैं सिंह के साथ ऐसा वैसा, तो ये तो उसका एक क्या बोलूं, एक विजुअलाइजेशन हो गया, बट यस वो यमदूत सिंह के साथ वो विजुअलाइज करा रहा है कि निच की चेतना के प्राणी आ रहे हैं, तो वो निच की चेतना के प्राणी हमारी चेतना से मैच करते हैं, तो हमें कौन लेने आता है वो भी डिसाइड करता है कि हमारी कॉन्शियसनेस क्या थी हमारे पूरे जीवन काल में और शरीर त्यागने के समय। और जब जैसे ही हम अपने इस प्राणमय कोष को त्यागते हैं और हम ये डिसीजन लेते हैं कि बस अब हम आगे अपने जर्नी पर आगे बढ़ेंगे, सूक्ष्म यात्रा के लिए बढ़ेंगे, तो हम एक गहरी निद्रा में चले जाते हैं। अब निद्रा के बाद क्या होता है वो हम सूक्ष्म जगत के बारे में जब डिस्कस करेंगे तब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम अलग अलग प्रकार की मृत्यु क्या है और उसका क्या रिजल्ट होता है हमारे आगे की जर्नी पर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वश्रेष्ठ मृत्यु है नेचुरल डेथ, कि आपने अपना पूरा जीवन अच्छे से जिया, आपके जितने एजेंडास थे आपके आत्मा के शरीर के सारे एजेंडास को पूरा किया, भरा पूरा परिवार है आपका, सारा ऐश्वर्य जो भी आपका जिस है जैसा है बहुत अच्छे से है, और आप एक बहुत अच्छा जीवन यापन करके आपको अब समझ में आ गया है कि भाई इस शरीर का कार्य पूरा हो गया और अब इसे त्यागना है, तो इस तरह का जो डेथ होता है इसे नेचुरल डेथ कहते हैं और ये सर्वश्रेष्ठ होता है। लेकिन कई बार डिफरेंट टाइप ऑफ डेथ भी हमें होते हैं, जैसे एक्सीडेंटल डेथ हो गया, मर्डर हो गया, यानी कि वो डेथ जहाँ अचानक से हमारी मृत्यु हुई है, हम प्रिपेयर्ड, हमारी आत्मा प्रिपेयर्ड ही नहीं थी उस मोमेंट के लिए, सडनली प्राण शरीर से एग्जिट हो गया, बाहर आ गया, तो एक बार के लिए आत्मा को बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो उनको सपोर्ट करने के लिए फिर जो हमारे सूक्ष्म जगत के जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो हमें सपोर्ट करती हैं, लेकिन वो भी सपोर्ट सिस्टम डिपेंडेंट होता है हमारी चेतना के ऊपर। अगर हमारी चेतना अच्छी है, सोल कॉन्शियसनेस पे है, तो नेचुरली हमारा पूरा केयर जो आफ्टर केयर है बहुत अच्छा होता है, और अगर हमारी चेतना उतनी अच्छी नहीं है तो हमारा आफ्टर केयर उतना अच्छा नहीं हो पाता और हम मे बी यहाँ पे जाते हैं। वो कैसे अटकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट है डेथ बाय कैपिटल पनिशमेंट, कि भाई फांसी की सजा हो गई, या जैसे अपने फ्रीडम फाइटर्स बहुत सारे थे जो सब शहीद हो गए, तो इस तरह की जो मृत्यु होती है
उसका क्या, उसकी क्या दशा होती है। तो इस तरह की मृत्यु में सब कुछ डिपेंड करता है कि मृत्यु के समय आपकी क्या मनोदशा थी। अगर मृत्यु के समय आपके अंदर एक फॉरगिवनेस का भाव होता है कि भाई गलती तो हो गई मुझसे, मैंने कुछ गलत काम किया जिसके लिए फांसी की सजा हुई और अब मुझे मृत्यु मिल रही है, बट मैंने, मेरे अंदर एक आत्मग्लानि का भाव आया और मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ और एक फॉरगिवनेस का भाव मैं अपने अंदर लेके आ रहा हूँ, तो नेचुरली उसकी दशा काफी बेटर होती है। ऑफ कोर्स जो उसने पाप किया है वो उसके लिए तो उसको अपने कार्मिक बैगेज को तो कार्मिक चीजों को तो उसको डील करना ही पड़ेगा, बट जो मृत्यु के समय जो उसकी चेतना है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और वहीं अगर उसके अंदर रिवेंज की फीलिंग है कि मुझे ऐसा क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया और मैं देख लूंगा, तो ऐसी आत्माएं जो है वो बहुत कष्ट पाती हैं और अटक भी जाती हैं कई बार। एंड फाइनली सुसाइडल डेथ, आजकल ये बहुत बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस के माहौल में सुसाइड्स बहुत बढ़ते जाते हैं। एवरी डे वी कीप ऑन हियरिंग सो मेनी केसेस कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, बट जो लोग सुसाइड कर रहे हैं वो अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये जीवन जो है वो हमें दिया है भगवान ने, उनकी कृपा से ये जीवन मिला है, तो इसे फिनिश करने का अधिकार भी उन्हीं का ही है, हमारा अधिकार नहीं है इसे फिनिश करने का। दिस इज नॉट अलाउड एट ऑल, ये नहीं अलाउड है सुसाइड। और जो आत्माएं ऐसा करती हैं उन्हें ये तो लगता है कि एक बार के लिए कि जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे छुटकारा मिल जाएगा मेरी पीड़ा से, बट जैसा कि हमने कुछ देर पहले ही डिस्कस किया कि फिजिकल पेन से तो छुटकारा मिल जाता है, बट व्हाट अबाउट द मेंटल इमोशनल ट्रॉमा, व्हाट अबाउट द डिजायर्स, व्हाट अबाउट द स्ट्रेस, द मेंटल कंडीशन, वो सबसे छुटकारा नहीं मिलता, इनफैक्ट वो और भी ज्यादा एग्रवेट हो जाता है, क्योंकि उस समय आपके पास आपकी 10 इंद्रियां नहीं है, आपके 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स एंड 5 अदर ऑर्गन्स जिससे हम सारे कार्य करते हैं, तो ये इंद्रियां आपके पास नहीं होती हैं आपकी चीजों को कराने के लिए, और ऐसी स्थिति में आपकी सिचुएशन और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। और ऐसी आत्माएं मैक्सिमम केसेस में प्रेत योनि में चली जाती हैं। व्हाट हैपेंस इफ डिजायर्स एंड अटैचमेंट्स आर टू हाई, अगर हमारा डिजायर और अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है और मन में बहुत ज्यादा रिवेंज और इस तरह की भावना होती है, तो ये जो आत्मा है वह इस धरती को छोड़ना नहीं चाहती, छोड़ना ही नहीं चाहती, जो सोल्स आते हैं उनको ले जाने के लिए वो उनके साथ जाना रिजेक्ट कर देती है। और ये ब्रह्मांड हमारे फ्री विल को रेस्पेक्ट करता है, कोई भी कार्य आपके इच्छा के अगेंस्ट में नहीं होता, यू हैव द ऑप्शन। तो जब वो रिजेक्ट कर देती है कि नहीं मैं आगे की यात्रा में नहीं बढ़ना चाहता हूं, तो वो अपने एथरिक बॉडी को नहीं त्यागते हैं, उस एथरिक बॉडी के साथ वो इसी धरा पर रह जाते हैं और वो प्रेत योनि, उस योनि को अगर कहूं तो वो प्रेत योनि कहलाती है। और प्रेत योनि में आपको, आपका जो कष्ट है, आपकी जो पीड़ा है, वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है, बिकॉज आपके पास कोई व्हीकल नहीं होता है आपकी चीजों को डिस्चार्ज करने के लिए। देन ईदर यू वांट टू फाइंड अ बॉडी और समथिंग जिसके अंदर आप जा सको, कुछ कर सको, बट इनकी कंडीशन बहुत खराब होती है और खुद से इनको मुक्ति भी नहीं मिलती। अगर इनके थोड़े भी कर्म अच्छे हों तो इनके परिवारजन अगर इनके लिए प्रे करते हैं, अगर गुरु प्रे करते हैं और इस तरह से प्रेयर से, उस डिवाइन एनर्जी से इनकी मुक्ति हो सकती है, अदरवाइज इनकी मुक्ति नहीं हो पाती है और वो जन्म जन्मांतर तक यहाँ पर अटक जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे डिजायर्स इतने हाई हैं कि हम शरीर त्यागते ही, अपने अन्नमय कोष को त्यागते ही उन डिजायर्स के लिए एकदम बेचैन हो जाते हैं, एंड वी स्टार्ट हंटिंग फॉर बॉडी जिससे हम अपने डिजायर को पूरा कर सके।
तो हम पशु योनि में चले जाते हैं कि जैसे किसी को खाने की डिजायर है, और ये मेनली सारी डिजायर फिजिकल नीड्स को ही लेकर होती है, फूड, सेक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। एक बहुत अच्छी कहानी थी, मेरे गुरु ने ही सुनाई थी, यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। एक सेठ जी थे जिन्हें जिनका जो ये था चेतना थी वो मणिपुर पे केंद्रित हो गई थी, तो बहुत अपने रुपए को लेकर वो बहुत ज्यादा अटैच थे। दिन रात अपनी तिजोरी को खोलते थे, रुपए गिनते थे, लॉक करते थे, फिर खोलते थे, रुपए गिनते थे, लॉक करते थे। बहुत ज्यादा उनका अटैचमेंट था अपनी तिजोरी और उसके रुपए के साथ में। परिवार के किसी लोग को नहीं मालूम भाई क्या तिजोरी, क्या चाबी, क्या नंबर, कितना रुपया, क्योंकि वो बहुत अटैच थे। और ये सेठ जी की मृत्यु हो गई, तो जब मृत्यु हुई तो आप समझ सकते हैं वो क्या बने, क्या बन सकते हैं वो ये बन सकते हैं या फिर श्वान, श्वान बन गए या सर्प बन गए, क्योंकि यही योनियां होती है। सर वो श्वान क्या करता है, रखवाली करता है, तो वो वही के ही एक श्वान की योनि में तुरंत तत्क्षण घुस गए, तो यहाँ उनकी मृत्यु भी, वहां पे एक श्वान का बच्चा पैदा हो गया। और पता नहीं उस बच्चे को सेठ जी के घर से क्या प्रेम कि बार बार उन्हीं के दरवाजे पे जाए, जब मौका मिले उनके रूम में चला जाए और जहां उनकी तिजोरी, और किसी को नहीं मालूम भाई वहां पे तिजोरी है क्या है नहीं है, वो उसी के पास बैठ जाए। तो अटैचमेंट इतनी हाई कि भाई मैं अपनी तिजोरी की रखवाली करूं, तो रखवाली कर रहे हो लेकिन श्वान की योनि में, एक डॉग की योनि में, तो आप समझ सकते हैं। और ये एकदम रियलिटी है, ऐसा होता है। जिसे खाने की इच्छा है, जिसे और कुछ इच्छा है, तो ये जो नीचे के चक्र की जो डिजायर्स अगर बहुत हाई होती है तो हम सूक्ष्म जगत में भी नहीं जाते, वहीं के वहीं हमारा निपटारा हो जाता है। पशु योनि में हम खुद ही घुस जाते हैं। भगवान के पास जाना, अपने कार्मिक पैकेज को डील करना, सब दूर की बात है, हमें इच्छा ही नहीं होती। वो अटैचमेंट इतना हाई होता है कि हमें इमीडिएटली हमें उस योनि में ढकेल देता है। अब है, हाउ शुड वी हेल्प आवर नियर एंड डियर सोल टू डिपार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हमारे कोई आत्मजन की मृत्यु होती है तो हमें कैसे उन्हें विदा करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें बहुत ज्यादा रोना धोना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जितना रोते हैं, जितना दुखी होते हैं, जितना हम ये फीलिंग लाते हैं कि उनके बिना हमारा जीवन खत्म हो गया, हम उनकी आत्मा को उतना अटकाते हैं, हम उनके एथरिक बॉडी को त्यागने से रोकते हैं। क्योंकि आत्मा जब निकलती है ना, हाँ ये अच्छा हो गया मुझे ध्यान आ गया, मैं मिस कर गई थी, जब आत्मा शरीर से निकलती है तो उसे दिखता है उसकी फिजिकल बॉडी, अन्नमय कोष सामने पड़ी है। कुछ क्षण तक तो, स्पेशली जो बॉडी कॉन्शियसनेस के लोग हैं, कुछ क्षण तक तो वो समझ ही नहीं पाते कि वो बॉडी मैं हूं, कि जो मैं खड़ा हूं वो मैं हूं। कुछ समय तक कुछ उनको कंफ्यूजन रहता है कि मैं कौन हूं, वो हूं कि मैं हूं, दोनों तो सेम सेम है। और फिर वो अपने परिवार जन जो रो रहे होते, विलाप कर रहे होते, उनको जाके टच करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई क्यों रो रहे हो, क्यों बाबू कर रहे हो। उनके सपनों में आते हैं बताने के लिए कि भाई मैं हूं, आई एम देयर, आप लोग क्यों रो रहे हो। बट उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं हो पाता कि उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है, आपकी फ्रीक्वेंसी अलग है। अब आप अलग जगत को बिलोंग करते हो, वो अलग जगत को बिलोंग करते हैं। अब आपके और उनके बीच का कम्युनिकेशन नहीं हो सकता इस तरीके से। ऑफ कोर्स हो सकता है, बट देयर डिफरेंट वेज, बट इस तरीके से नहीं हो सकता। तो जब हम ज्यादा रोते हैं तो हम उस आत्मा को जाने से अटकाते हैं। और ये भी बड़ी मजेदार बात है कि जब कोई इंसान जीवित रहता है तब तो हमारे अंदर से उसके लिए प्रेम की भावना नहीं निकलती, उनके फोटो वोटो को देख के हम इतने खुश नहीं होते, चिपकाते नहीं उनकी फोटो को हर जगह। बट जैसे ही वो सोल डिपार्ट करता है, हम बड़ी बड़ी तस्वीरें उसकी लगा देते हैं। कई कई लोग तो बड़े बड़े स्टैचूज बना के लगा देते हैं, जो सही नहीं है, क्योंकि ये उस सोल को अटका रहा है। और जितना हम इस तरह से उसके फिजिकल बॉडी को, अन्नमय कोष को शो करेंगे, उसकी आत्मा उतना उससे अटकती जाएगी और उसकी आगे की जर्नी डिफिकल्ट होती जाएगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नॉट क्राई, वी शुड नॉट क्रिएट दैट काइंड ऑफ फीलिंग इन आवरसेल्फ्स। इंस्टेड हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रे करना चाहिए, डिवाइन एनर्जी सेंड करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि जितना समय उनका हमारे साथ था उतना बेस्ट था, बहुत अच्छा था।
और होता अच्छा लगता, लेकिन यही नियति थी नहीं है, और अगर नहीं है तो अब मैं यहाँ पर खुश रहूं और वो जहां जा रहे हैं वो वहां पर खुश रहे, क्योंकि अब वो उस लोक के हैं, मैं इस लोक का। उनकी विदाई को बहुत अच्छे से करना चाहिए, बहुत खुशी से करना चाहिए। आप जितनी खुशी से प्रेयर के साथ उन्हें एनर्जी सेंड करके उनको विदा करेंगे, वो उतने हायर डिमेंशंस में जाएंगे, और आप जितना उनको अटकाएंगे वो आत्माएं अटकेंगी आपके साथ, और उनके आगे की जर्नी डिफिकल्ट हो जाएगी। सो एवरीथिंग इज अ फंक्शन ऑफ योर कॉन्शियसनेस। आपकी चेतना जहां पर है, आपके आगे की जर्नी जो है उसी पर निर्भर करती है। तो आगे की जर्नी है कहाँ की? एस्ट्रल वर्ल्ड की, सूक्ष्म जगत की जर्नी है आपके आगे की जर्नी। इट इज द वर्ल्ड ऑफ वाइब्रेशंस। हमारे जैसी धरती वैसी नहीं है सूक्ष्म जगत, ना ऐसे बड़े बड़े बंगलोज हैं, बहुत अच्छा कुछ इस तरह से, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशंस है, वहां सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। इट इज ओनली मेड अप ऑफ एनर्जी एंड वाइब्रेशंस। और आपको कौन सी पोजीशन मिलेगी वो डायरेक्टली डिपेंड करता है आपकी वाइब्रेशन क्या है। आपने आपका आपकी चेतना कहाँ केंद्रित थी, आपके प्राण कहाँ से निकले, उसी के हिसाब से आपकी बॉडी का, आपकी एस्ट्रल बॉडी का, आपके सूक्ष्म बॉडी का एक वाइब्रेशन बनता है। और आप जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो आप उसी फ्रीक्वेंसी पर एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हो। ये पूरा एस्ट्रल वर्ल्ड कहते हैं सेवन डायमेंशंस में डिवाइडेड है, एंड अगेन ईच डायमेंशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 फर्दर डिविजन्स। तो इस तरह से पूरा एस्ट्रल वर्ल्ड डिवाइडेड है वाइब्रेशंस पे, जैसे कि हमारा धरती डिवाइडेड है कि भाई यहाँ बंगलो है, यहाँ स्लम है, या ये है या वो है, वैसे ही एस्ट्रल वर्ल्ड डिवाइडेड है वाइब्रेशंस के हिसाब से। अब यहाँ पर जिसका जितना ज्यादा बैंक बैलेंस होता है वो उतने पॉश जगह पे घर बना सकता है, वहां पर जिसका जितना अच्छा वाइब्रेशन होता है वो उस जगह पर अपने घर घर में वो उसका घर उस जगह पर होता है। वेरी प्लेन एंड सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत इजी। यहाँ तो फिर भी कॉम्प्लिकेशन है, उस जगत में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, एवरीथिंग इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो जो लोअर डायमेंशन वाली जगह होती है उसको आप हेल कह सकते हो, नरक कह सकते हो। वैसे वहां पे स्वर्ग नरक में कोई अंतर नहीं है, सब सेम टू सेम है, अंतर सिर्फ वाइब्रेशन का है, वाइब्रेशन एंड द पीपल दैट आर मेकिंग दैट प्लेस। बिकॉज एक वाइब्रेशन के आत्माएं एक जगह पर जाती है, तो जो निच के वाइब्रेशन वाली जगह है वो नरक हो जाता है, उच्च के वाइब्रेशन वाली जगह जो है वो स्वर्ग हो जाता है। एक बार एक नरक और स्वर्ग के एक मुझे एक अच्छी स्टोरी याद आ गई, बहुत अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ स्वर्ग एंड नरक। एक बार एक मनुष्य को जब लेने आए, उसके जो सोल हायर लेवल सोल्स लेने आए, तो उसने कहा कि भाई मैं पहले चेक करूंगा कि भाई नरक कैसा है, स्वर्ग कैसा है, और मैं फिर डिसाइड करूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, चलो हम चेक करते हैं नरक कैसा है, स्वर्ग कैसा है। तो वो एक जगह गए एस्ट्रल वर्ल्ड में, उन्हें एक जगह लेके जाया गया जहां पर एक लंबी सी टेबल थी, एंड जो खाना बोले वो खाना वहां पर था, एकदम बिल्कुल एनी क्विजीन ऑफ द वर्ल्ड यू थिंक ऑफ एंड इट वाज अवेलेबल। और अगर नहीं भी था तो अगर आप सोचो तो तत्क्षण वो वहां पे प्रकट हो जाए। जलेबी सोचो तो जलेबी आ जाए, बरिटो सोचो तो बरिटो आ जाए, पिज्जा सोचो तो पिज्जा आ जाए, जो आपकी इच्छा वो प्रकट हो जाए। लेकिन वहां पे जितने भी लोग बैठे थे वो बिल्कुल भूखे और बीमार और जैसे पता नहीं कब से खाए नहीं है, इस तरह के लग रहे थे, और उनके मन में बहुत आक्रोश था, क्रोध था, पूरे विकारों से भरे हुए दिख रहे थे। तो बोला कि भाई ये तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, चलो दूसरी जगह चल के देखते हैं। दूसरी जगह गए, वहां पे सेम टू सेम कंडीशन, देयर वाज नो डिफरेंस, वैसी टेबल, वैसा ही खाना, वैसा ही सब कुछ, वहां पे भी जो चाहो प्रकट हो जाए। लेकिन वहां के लोग जो थे बहुत हैप्पी, वेल फेड, बहुत अच्छे लग रहे थे, दे वर वेरी हैप्पी। सिचुएशन दोनों की सेम, लेकिन एक जगह एकदम दरिद्रता में थे, आक्रोश में थे, मतलब जितनी नेगेटिव एनर्जी बोलो वहां पे वो थी,
और एक जगह जितनी पॉजिटिव एनर्जी बोलो वहां पे वो थी. तो व्हाट वाज द डिफरेंस? द डिफरेंस वाज दोनों ही जगह एक चीज और कॉमन थी. उनके हाथों में 4-4 फीट के फोक और स्पून लगे हुए थे. तो नर्क में क्या हो रहा था, जो पहला जगह था वहां पर लोग खाना भर रहे थे फोर्क स्पून में और खाने की कोशिश कर रहे थे, बट नेचुरली 4 फीट था तो वो जा ही नहीं रहा था, उनके मुंह में जा ही नहीं रहा था. तो बेचारे कोशिश कर करके थक गए बट खा नहीं पा रहे. और स्वर्ग में क्या डिफरेंस था? सेम कंडीशन था, उनके भी हाथ में 4 फीट के फोर्क और स्पून थे, लेकिन वो क्या कर रहे थे, बाजू वाले से पूछ रहे थे मेक्सिकन खाना है, और मेक्सिकन उसको खा ले, उसको कहते मेरे को थोड़ा चाइनीज खिलाना ना. दे वर फीडिंग ईच अदर, देयर वाज एन एनवायरनमेंट ऑफ कोऑपरेशन. तो पहली जगह एक सेल्फिश एटीट्यूड था, मैं कैसे खा लूं, और दूसरी जगह एक कॉपरेशन की फीलिंग थी कि मैं तुमको क्या खिलाऊं और तुम मुझे क्या खिलाओ, विन विन एटीट्यूड. तो यही डिफरेंस है एस्ट्रल वर्ल्ड के लोअर डिमेंशन और हायर डिमेंशन में. नीचे के वाइब्रेशन लो है, जो आत्माएं वहां आती है वो लो वाइब्रेशन की होती है, नेचुरली वो विकारों से परिपूर्ण होती है, इसलिए वहां का माहौल जो होता है विकारों का माहौल होता है. और वही जो हेवन है वो हेवन हेवन क्यों बनता है, लोगों से बनता है. जगह वही है लेकिन लोगों से बनता है. वहां जो आत्माएं आई है वो सब हाई लेवल सोल है जिनके अंदर परोपकार है, विन विन एटीट्यूड है, एक दूसरे को सपोर्ट करने की भावना है, और इसलिए हेवन हेवन बन गया और हेल हेल बन गया. भगवान ने ना तो हेवन बनाया ना हेल बनाया, खाली एक ही काम किया, वाइब्रेशन के हिसाब से डिविजन कर दिया, और आपको चॉइस भी दिया भाई आपको जहां जाना है जाओ. तो आप हायर वाइब्रेशन में जा ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे आप हायर वाइब्रेशन एंटर करोगे आप उस वाइब्रेशन को हैंडल ही नहीं कर पाओगे. यू हैव टू गो डाउन एंड यू हैव टू एंटर टू अ लोका विच इज matching to your vibrational frequency. So, what are the laws of the astral world? Vibrational frequency. Astral world is all about your vibrational frequency. Dropping all needs of our physical body. जो मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई, प्लीज आप उसको रियल वे में मत लीजिएगा, जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर बताई थी. एस्ट्रल वर्ल्ड में हमें ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है, ना थकान होता है, कुछ नहीं होता. वी आर बॉडी ऑफ लाइट, पलक झपकते हम कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हैं, कोई रिक्वायरमेंट हमारी होती ही नहीं है. ये शरीर ही नहीं है ना, ये सारा रिक्वायरमेंट तो फिजिकल बॉडी का है, ये तो छूट गया यहाँ पर, वहां पे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है. नो रिक्वायरमेंट, कुछ भी नहीं होता है वहां पर. पावर ऑफ मटेरियलाइजेशन, थॉट्स सर्वोपरि है एस्ट्रल वर्ल्ड में. आप जो सोचते हो अच्छा या बुरा तत्क्षण तथास्तु हो जाता है. मुझे अगर अभी इच्छा हो रही है कि मुझे बारिश चाहिए, इमीडिएट मेरे लिए बारिश हो जाएगी, और सिर्फ मेरे लिए होगी, बाजू के लोगों के लिए नहीं होगी. पर्सनल सर्विस इन एस्ट्रल वर्ल्ड. तो आपकी जो कॉन्शियसनेस होगी आप वही डिमांड करोगे. तो जो लोअर डायमेंशन के आत्माएं हैं वो नेचुरली वो डिमांड करती है, हायर लेवल की वो डिमांड करती है. तो आप जो डिमांड करोगे वो मटेरियलाइज आपके लिए हो जाएगा. तो अब हम समझेंगे, हेल और हेवन तो हमारी टर्मिनोलॉजी है, बट आई एम श्योर भगवान ने ऐसा हेल हेवन करके कुछ नहीं किया है, क्योंकि भगवान जो है ही इज इन ओशन ऑफ लव, मतलब प्रेम से भरपूर है. वो कभी किसी के लिए कुछ खराब कर ही नहीं सकते. उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि हर आत्मा जो निकली है उनसे उसको वापस उनके अंदर विलीन होना है, और इस जर्नी में उस आत्मा को प्यूरिफाई होते जाना है. तो ये प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस को बस वो सपोर्ट करते हैं, ताकि जल्द से जल्द वो सारी आत्माएं अपने रियल डेस्टिनेशन पर आ सके, परमात्मा के साथ विलीन हो सके. ये सारा जो एस्ट्रल वर्ल्ड भी है वो भी ट्रांजिट ही है, वो भी हमारा परमानेंट नहीं है. परमानेंट तो मोक्ष धाम है, मोक्ष प्राप्ति करेंगे वही परमानेंट सिचुएशन है हमारी, बाकी सब टेम्पररी है, बाकी सब ट्रांजिट है. अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो भी ट्रांजिट है, उससे भी हमको आगे बढ़ना पड़ेगा. तो हेल में क्या होता है, जब हम नरक में जाते हैं, सो कॉल्ड हेल हमारे हिसाब से, हमें समझने में आसानी होती है इसलिए हेल कह रही हूं. तो जब लोअर डिमेंशन में कोई आत्माएं जाती हैं,
तो जब वो वहां पे जाती हैं, नेचुरली उनके आसपास की जो दूसरी आत्माएं होती हैं वो उन्हीं के अनुरूप होती हैं, यानी कि वो भी उसी तरह की लोअर डिमेंशन की होती है। तो वहां का जो माहौल होता है वो उतना कॉपरेशन का नहीं होता, विकार बहुत ज्यादा होते हैं वहां पे। और वहां पे जैसे ही जाते हैं उनको उनके सारे कर्मों को दिखाया जाता है कि भाई किस तरह के उन्होंने कर्म किए थे, और वो जब उस कर्मों को देखते हैं तब वो दृष्टा भाव में देखते हैं। एस्ट्रल वर्ल्ड में हम दृष्टा भाव में आ गए, क्योंकि जब तक हमने कुछ किया इस धरती पे, हमने बॉडी के अंदर किया, तब मुझे लग रहा था मैं कर रही हूं, लेकिन जब हम गए तब मैं तो खत्म हो गया, क्योंकि किया तो उस बॉडी ने, आत्मा मेरी थी बट किया तो बॉडी ने। तो वो एक दृष्टा भाव की फीलिंग आती है। तो हम एक दृष्टा भाव के साथ, एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव के साथ हम अपने जीवन की सारी मूवी को रिव्यू करते हैं। एक एक क्षण को हम देखते हैं जहां पर हमने गलतियां की थी, जहां पे हमने शुद्धता से नहीं जीवन जिया था, और जो जो हमारे नेगेटिव डिजायर्स होते हैं उससे हमें कराया जाता है वहां पर, और उससे उस आत्मा को बहुत वेदना होती है। क्योंकि जब धरती पे हम कुछ गलत काम करते हैं तो हम अंधकार में करते हैं, छुप के करते हैं, कोई भी पब्लिकली ओपन तरीके से कुछ गलत काम नहीं करता, सब ढक के ही करते हैं। इतने गलत काम होते हैं वो अंधकार में होते हैं, ढक कर होते हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं होती है, अंदर से कुछ और होते हैं, दिखते कुछ और है, लेकिन ऐसा ऊपर में नहीं होता। सूक्ष्म जगत में जो हम अंदर हैं वही हम बाहर हैं, अंदर और बाहर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमें वो जो पाप कृत्य था हमारा, वहां पर हमें बार बार कराया जाता है, हमें खुद को शर्मिंदगी होती है जब हम उस कृत्य को देखते हैं कि हमने कैसा किया, क्यों किया, क्या किया। हम प्रताड़ित होते हैं वहां पे, कोई नर्क में कोई ऐसे बड़ी बड़ी कराइयां नहीं है। मैं बचपन में सुना करती थी, मैं नर्क और स्वर्ग के बारे में बताया जाता था तो नर्क के लिए बोला जाता था कि ऐसी बड़ी बड़ी कराइयां होती है जहां पे फ्राई करते हैं और ये होता है और वो होता है, खूब प्रताड़ित किया जाता है, खूब फिजिकल असॉल्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई फिजिकल, क्योंकि कौन करेगा फिजिकल असॉल्ट, भगवान करेंगे, वो तो उनका जगत है, वो कर ही नहीं करते सकते फिजिकल असॉल्ट हमारे ऊपर, वो तो प्रेम के सागर हैं। फिजिकल असॉल्ट, जो असॉल्ट होता है वो हमारे खुद का होता है, दैट इज मेंटल, दैट इज इमोशनल। क्योंकि जब हम खुद को ऐसी घिनौनी हरकतें करते हुए देखते हैं हम अंदर से प्रताड़ित हो जाते हैं, हमें खुद को दुख लगता है, we feel very sad, हमें खुद पे घृणा आ जाती है कि कैसे हम ये कर सकते हैं, और हमें वो कार्य कराया जाता है, बार 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 उस कार्य को कराया जाता है, जब तक हम उससे त्रस्त न हो जाए, जब तक हम चिल्लाए नहीं कि बस आई कांट डू इट एनी मोर, अब मुझे प्लीज बख्श दो, तब जाके वो प्यूरिफिकेशन पॉसिबल हो पाती है। लेकिन 100% प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाती, कई बार अगर हल्के कर्म है तो हो जाती है इस प्रोसेस से, और भारी कर्म है तो हमें फिर 84 लाख योनि में वापस आना पड़ता है। जिस तरह के हमारे पाप थे उस तरह की योनि का चयन होता है, भगवान ने इसलिए 84 लाख योनियां बनाई है, उतने सारे विकारों के हिसाब से। भाई किसी को कोई चीज की लालुकता थी, किसी को और कुछ था, किसी को क्रोध था, किसी को कुछ था, किसी को कुछ था, जिसको जो चाहिए था लो तथास्तु, उस योनि में जाओ और उसको एक्सपीरियंस करके आओ। क्योंकि मनुष्य योनि ही सिर्फ ऐसी योनि है, ओनली एंड ओनली, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, मेरे गुरु हमेशा ये बात कहते हैं, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, बहुत बड़ा भाग्य है जो मुझे मनुष्य तन मिला, क्योंकि यही अकेली एकमात्र ये योनि है जहां पर मैं अपने कर्मों की निर्जरा कर सकती हूँ और पुण्य कर्म का अर्जन कर सकती हूँ, और होल सेल में, सिर्फ इस भव के नहीं, अनेकों अनेकों संचित कर्म, अनेकों अनेकों भव के संचित कर्म को मैं भस्माभूत कर सकती हूँ मनुष्य योनि में। सिर्फ इसी योनि को ये अधिकार प्राप्त है, बाकी सारी योनियां भोग योनि है। तो हम जब इस तरह की योनियों में चाहते हैं, चाहे वो त्रेंच योनि हो, चाहे जो भी योनि, इस तरह के 84 लाख योनियों में जब हम जाते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं, हमने जो विकार किए थे उससे रिलेटेड हमें योनि प्राप्त होती है, और हम वहां पर एक्सपीरियंस करते हैं उस चीज को,
और एक्सपीरियंस करके अपने कर्मों को काट के हम वापस और बेटर कंडीशन में एस्ट्रल वर्ल्ड में आते हैं। फिर अगर और हमने और भी पाप होंगे तो फिर से हम वापस से एक और दूसरी को योनि धारण करते हैं, फिर तीसरी को योनि धारण करते हैं, और तब तक हम धारण करते जाते हैं जब तक हमारी शुद्धि ना हो जाए। ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है, और हर बार जब हम धारण करके आते हैं तो नेचुरली हम बेटर है, क्योंकि हम उस योनि में जाके ना कर्मों को, ना पाप कर्म को ऐड कर रहे हैं, ना पुण्य कर्म को ऐड कर रहे हैं, खाली हम अपने कर्मों को काट रहे हैं। तो नेचुरली कर्मों को काट रहे हैं तो वी गेट बेटर ऑफ, हम और बेटर बन के आते हैं, हम वो कर्म काट के आते हैं। ये था नरक के बारे में। नाउ नेक्स्ट है स्वर्ग के बारे में, जहां हम सबको जाना है, क्योंकि नहीं जाना होता तो हम ये चर्चाएं ही क्यों कर रहे होते थे। तो हम सब यही जाने वाले हैं। तो स्वर्ग में क्या होता है? स्वर्ग में जब वो आत्मा पहुंचती है तो बहुत ही सुंदर माहौल होता है, क्योंकि हम भी उच्च श्रेणी के हैं, आसपास के भी उच्च श्रेणी के हैं, बहुत कोऑपरेशन का माहौल है, बहुत लव है, बहुत परोपकार की भावना है। वहां एक एक आत्मा इस काम में रत रहती है कि कैसे वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, ऐसे एक दूसरे को हेल्प कर सके। और वहां पे पहुंचते ही, अच्छा जब हम एथरिक बॉडी को त्यागते हैं ना, तो मैंने कहा था हम गहरी नींद में आ जाते हैं। तो हमारी नींद खुलती कहाँ है? हमारी नींद खुलती है एस्ट्रल वर्ल्ड में, जहां पर हम वाइब्रेशन के साथ हम मैच करते हैं, हम उस वाइब्रेशन वाले घर में जाते हैं, वहां हमारी नींद खुलती है। तो जब हमारी नींद खुलती है और हम इस तरह से हायर वाइब्रेशन वाली जगह में जाते हैं, तो हमारा एक रिव्यू प्रोसेस होता है। अभी रिव्यू प्रोसेस करता कौन है? अभी रिव्यू प्रोसेस करते हैं डिपेंडिंग ऑन आपका लेवल क्या है। अगर कोई बहुत हाई लेवल सोल है और बिल्कुल हाईएस्ट लेवल ऑफ एस्ट्रल वर्ल्ड के डायमेंशंस में गया है, तो उसका रिव्यू प्रोसेस साक्षात भगवान करते हैं, गुरु करते हैं। थोड़े और नीचे आते हैं तो उनसे ज्यादा अच्छी सोल्स करती है। तो हमारा एक रिव्यू प्रोसेस होता है, जिस रिव्यू प्रोसेस में हमारे पूरे जीवन को एक मूवी की तरह हमारे सामने दिखाया जाता है, और एक एक एक्ट को, एक्ट नहीं, एक एक थॉट को, एक एक इंटेंशन को एनालाइज किया जाता है। क्योंकि सूक्ष्म जगत में एक्शन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसा एक्ट किया, वाणी तो मेरी बड़ी मीठी थी लेकिन भाव दूषित थे, तो वहां पकड़े जाते हैं। नीचे में नहीं पकड़े जाते, नीचे में तो बोलेंगे वाह ये तो बड़ा अच्छा है, बहुत केयर करता है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन अंदर में कलुषता है, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी चालू है। ये धरती पे चलता है ये काम, वहां नहीं चलता है। वहां पर हमारे इंटेंशंस पे ज्यादा फोकस होता है कि हमने जो जो कृत्य किए उसके पीछे हमारे भाव क्या थे, क्यों किए, कैसे किए, और जिस पर्पस के साथ नीचे गए थे अपने लाइफ को पूरा करने के लिए, हम उस पर्पस पे कैसे खरे उतरे, हमने अपने पर्पस को कितना पूरा किया, हम कितने डिविएट हुए। और जब हम डिविएट होते हैं और हम इस तरह के गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं, तो हमें खुद को शर्मिंदगी होती है, क्योंकि सामने में हमारे भगवान हैं, हमारे गुरु हैं, हमसे उच्च श्रेणी के सारी आत्माएं हैं, और उनके सामने हमें शर्मिंदगी होती है कि ये हमने कैसा किया, ये हमने क्या किया, हम करने गए थे कुछ और, माया में लिप्त होके विकारों को लेकर हमने क्या कर डाला, और हमारे अंदर बहुत पीड़ा और वेदना होती है, हम उसे ठीक करना चाहते हैं। तो इस तरह से हमारा रिव्यू होता है एक एक सिचुएशन का, और उस रिव्यू के हिसाब से हमारी ट्रेनिंग होती है, हमें ट्रेन किया जाता है, पूरी सोल ट्रेनिंग। जैसे यहाँ पे मंजू भाभी आप लोग सबकी ट्रेनिंग ले रही है, पीएचडी की, भक्तामर की, इसकी उसकी, वैसे ही वहां पर भगवान गुरु हमसे हायर लेवल सोल्स हमारी ट्रेनिंग लेते हैं कि तुम कहाँ कहाँ फेल हो गए, क्यों आई ईर्ष्या, क्यों आई ऐसे भाव, नहीं आने थे, गलत था, क्यों ऐसा बोला, ये नहीं करना था, ये तो तुम्हारे एजेंडा में नहीं था, तुमने क्यों किया, दिस वॉज आउट ऑफ सिलेबस, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं था, जो सिलेबस मैंने दिया था उसके आउट चले गए, तुम क्यों गए, नहीं जाना था तुम्हें, इसके दायरे में रहना था, क्यों भटके, ये कैसा हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ? लेकिन बहुत प्रेम के साथ, इट्स अ लविंग एनवायरमेंट, बिकॉज दैट द एनर्जी, द ऑरा ऑफ दैट प्लेस इज लव, इट इज ओजिंग विद लव। बहुत प्यार से आपका रिव्यू होता है, बहुत प्यार से आपके सोल की ट्रेनिंग होती है, और ये ट्रेनिंग के बाद में आपके असेंशन की प्रक्रिया चालू होती है, बिकॉज आपकी आत्मा को वहां अटकना नहीं है,
आपकी आत्मा का क्या उद्देश्य है? आपकी आत्मा का उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति करना, आत्म साक्षात्कार करना, परमात्मा के साथ एकाकार स्थापित करना, उस अद्वैत के स्थिति में जाना। ये हमारी आत्मा का अल्टीमेट गोल और एजेंडा है। एंड वी आर डूइंग फाइन, हम अच्छा कर रहे हैं, हम एस्ट्रल वर्ल्ड के हायर लेवल्स में गए हैं, भगवान गुरु हमारे साक्षात टीचर्स हैं, इससे बेटर टीचर हमें कहाँ मिलेंगे। तो वो टीचर्स के गाइडेंस में, उनसे ट्रेनिंग पाके, उनसे अपने एग्जामिनेशन की स्क्रिप्ट को चेकिंग करवा के हम फिर अपने असेंशन प्रोसेस को शुरू करते हैं, मूविंग अहेड टुवर्ड्स असेंशन। तो असेंशन के भी अलग अलग हैं, बताती हूँ आपको। पहला सर्विस ग्रुप, कुछ आत्माएं, अब यहाँ पे भी पूरा फ्री विल है, जैसा कि मैंने कहा नेचर सपोर्ट्स योर फ्री विल। भगवान हर आत्मा को अपने हर डिसीजन को करने का अधिकार देते हैं, सपोर्ट देते हैं, ट्रेन करते हैं, सब कुछ करते हैं, गाइड करते हैं, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन आपका स्वयं का होता है। हर आत्मा हर चीज को खुद चुनती है, खुद डिसाइड करती है। तो असेंशन के अलग वेज हैं। पहला सर्विस ग्रुप, कि भाई ये वो आत्माएं हो गई जो बोलती हैं कि भाई हम इसी सूक्ष्म लोक में रहना चाहते हैं और यहीं पे हम परोपकार करेंगे और आत्माओं को सपोर्ट करेंगे, उनको हेल्प करेंगे। तो नेचुरली यहाँ पर रिस्क फैक्टर, अच्छा इसके बारे में मैं बाद में आऊंगी, पहले तीनों एक्सप्लेन करती हूँ फिर रिस्क और रिटर्न को समझाऊंगी। तो एक प्रोसेस हुआ सर्विस ग्रुप, कि भाई आप वही सूक्ष्म जगत में रहना चाहते हो एटलीस्ट कुछ समय तक और वही वही प्लानिंग करना चाहते हो। दूसरा स्पिरिचुअल गाइड। स्पिरिचुअल गाइड में क्या होता है कि हम जितनी भी आत्मा यहाँ धरती पे है, हम सबसे अटैच्ड हमारा स्पिरिचुअल गाइड है, जो हमें समय समय पर हमारे जीवन के हर इम्पोर्टेंट ओकेजन पे, हर इम्पोर्टेंट डिसीजन पे हमें गाइड करता है। जो आत्मबोध में लोग रहते हैं, जिनका सोल कॉन्शियसनेस है, वो कनेक्ट कर पाते हैं अपने स्पिरिचुअल गाइड के साथ में और उनके मैसेजेस को ले पाते हैं, समझ पाते हैं। और मैसेज ऐसे नहीं कि आपको कहीं से आकाशवाणी हो रही है, अंदर से ही वो आकाश, आपके अंदर में भी चिदाकाश है, तो वो अंदर की आकाशवाणी होती है, आपको अंदर से समझना पड़ता है। तो अंदर से आपको पता चलता है कि भाई क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो इस तरह का पूरा जो स्पिरिचुअल गाइड है वो आपको गाइड करते जाते हैं कि भाई ये प्रोसेस कैसा, आपको क्या करना है, किस तरह से करना है। अगेन डिसीजन आपका है, आप रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें। और जो सोल्स अपने जीवन में आगे बढ़ती जाती हैं, तो उनके उनके ग्रोथ के साथ उनसे रिलेटेड स्पिरिचुअल गाइड्स की भी ग्रोथ होती जाती है, उनका भी असेंशन होता जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि एक बच्चा क्लास में पढ़ता है, क्लास वन से वो टू में गया, तो टू में उसे नई टीचर मिली, तो नेचुरली जब इस धरती पे जो लोग हैं उनका जब असेंशन होता है, जब उनका ग्रोथ होता है, तो उनके स्पिरिचुअल गाइड्स चेंज होते जाते हैं। और स्पिरिचुअल गाइड्स भी जैसे जैसे वो जिनको गाइड करते हैं उनका इम्प्रूवमेंट होता है, तो वो भी हायर लेवल इन द एस्ट्रल वर्ल्ड मूव करते जाते, उनका भी असेंशन होता जाता है। एंड तीसरा वे है री इनकारनेशन। जो यहाँ पर हम जितने लोग बैठे हैं, उन सब ने ये थर्ड ऑप्शन को अभी इस समय के लिए चूज किया था, अभी हम सब री इनकारनेट करके इस धरा पर आए हैं। तो री इनकारनेशन में क्या होता है, हम फिर से डिसाइड करते हैं कि हम धरती पे जाएंगे विद अ न्यू सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अभी ऑब्जेक्टिव भी हम खुद डिसाइड करते हैं। हम जहां जहां पिछले जन्म में फेल किए थे, जहां जहां हमें नेगेटिव मार्क्स मिले थे, जीरो मिला था, वहां वहां उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, क्योंकि एस्ट्रल वर्ल्ड में हमारी थ्योरेटिकल ट्रेनिंग है और प्रैक्टिकल जो एग्जामिनेशन है वो होता है हमारी धरती पे। तो
हम थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले रही है भगवान से, गुरु से, आत्माओं से, शुद्ध आत्माओं से, लेकिन हम प्रैक्टिकली उस पे कितना खरे उतर रहे हैं, हम उसे कितना सीखे हैं या नहीं सीखे, वो तो इस धरती पे आकर ही पता चलता है। जब आपको उस सिचुएशन एक्सपोज किया जाता है, तब आपका क्या बिहेवियर होता है, क्या रिएक्शन होता है, क्या एटीट्यूड होता है, किस प्रकार के आपके भाव इंटेंशन होते हैं, उससे पता चलता है कि आपकी लर्निंग कितनी पक्की थी, कि आप टाइम पास करके आए, है ना। तो एग्जाम से ही तो सब कुछ पता चलता है, एग्जाम के मार्क्स से। तो हम खुद बैठ के अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं, भगवान हमें हेल्प करते हैं कि भाई हमारे ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, बट अल्टीमेट डिसीजन कि इस जन्म में मैं इस धरती पे जाके क्या अचीव करूंगा और मुझे क्या करना है, मेरा क्या सिलेबस है, वो हम खुद लिखते हैं। और फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किस परिवार में जन्म लेना है, और परिवार से भी ज्यादा किस माता के गर्भ से मुझे जन्म लेना है, कि माता का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 महीने वो गर्भ में रखती है, तो 9 महीने उस सोल की चेतना का विकास होता है गर्भ में। अगर माता की चेतना अच्छी नहीं होगी तो सोल की भी चेतना वैसी काफी हद तक हो जाएगी। तो मदर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो सोल अपनी मदर को चूज करता है, अपने फादर को चूज करता है, परिवार को चूज करता है, ताकि वो उस एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सके जहां पर वो अपनी लाइफ की ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके। फिर वहां पर एक-एक इंसिडेंट, एक-एक एपिसोड को वो कि वो स्क्रिप्टिंग करता है। हमारे जीवन की मूवी के स्क्रिप्ट राइटर हम खुद हैं, कोई चित्रगुप्त हमारे लिए नहीं लिखते, हम खुद अपने जीवन का एक-एक एपिसोड लिखते हैं। लेकिन जब हम लिखते हैं तब क्या होता है, हम एक दृष्टा भाव में होते हैं, हम एक थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव में होते हैं। उस समय लिखने के टाइम पे हमारा उद्देश्य क्या होता है, हमारा उद्देश्य यह होता है कि हम कैसे अपने कर्मों को काट सके, हम कैसे अपने लाइफ के पर्पस की पूर्ति कर सके। उस समय ये नहीं देखते कि ये एपिसोड से मेरे को कितना दुख होगा, ये एपिसोड से मेरे को कितनी खुशी मिलेगी। उस समय दुख और सुख के भाव से हम परे होते हैं, हम निर्गुण निराकार अवस्था में होते हैं, निर्गुण का भाव होता है, हम दुख और सुख में नहीं लगते। हम खाली इस बात को देखने की कोशिश करते कि हमारा आत्म कल्याण क्या चीज में है। अगर दुख पाकर आत्म कल्याण हो रहा है तो हम दुख के एपिसोड्स लिखते हैं, और कहीं पे सुख पाना है तो हम सुख के भी लिखते हैं। तो अभी इस धरती पे आकर हम जो हाहाकार मचा रहे हैं कि भाई मैं तो कितना अच्छा हूं, मेरे साथ क्यों खराब हो रहा है, क्यों अच्छा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, तो वो सब हमने खुद ने ही चयन किया है, वो सब हमारा खुद का ही डिसीजन है। इट इज माई ओन डिसीजन बिकॉज आई वॉन्टेड द ग्रोथ ऑफ माई सोल। मैं स्पिरिचुअली एडवांस करना चाहता था, इसलिए मैंने वो सारे एपिसोड्स को लिखा, उसे किया, और आके हम भूल गए और रोना धोना शुरू कर दिए, शरीर बोध में आ गए, माया में लिप्त हो गए। तो हर एपिसोड को हम खुद लिखते हैं। फिर हमारी मृत्यु कैसे होगी उसका भी डिसीजन हमारा होता है, किस प्रकार से हम प्राण त्यागेंगे, कब प्राण त्यागेंगे, कैसे त्यागेंगे, क्यों त्यागेंगे, हर चीज क्या, क्यों, कब, कैसे, हर क्वेश्चन का जवाब हम खुद ही लिखते हैं। हमें गाइडेंस मिलती है जगह जगह पर, भगवान गुरु सब हमें गाइड करते बताते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है, इससे हम अपने एजेंडा को अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट अल्टीमेट डिसीजन मेकर हम खुद होते हैं, और ये सारे डिसीजंस को लेकर हम री इनकार्नेट करते हैं। अब हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, तो ये तीनों ऑप्शन में सबसे ज्यादा रिस्क कहाँ है और सबसे ज्यादा रिटर्न कहाँ है? नेचुरली थर्ड ऑप्शन, क्योंकि जब हम रीइंकार्नेट कर रहे हैं तब हम मैक्सिमम कर्मों को हम भस्माभूत कर सकते हैं। अगर जिस तरह से हमने जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग से अगर हम भटके नहीं तो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ हमें मनुष्य योनि से ही हो सकती है, और कोई योनि को अधिकार नहीं है मोक्ष की प्राप्ति का। कर्म करने का अधिकार
कोई भी योनि को नहीं है, सारी की सारी भोग योनि है, चाहे वो 84 लाख योनि हो चाहे वो देव योनि हो, सब की सब भोग योनि है। तो ग्रोथ योनि है वो तो सिर्फ मनुष्य योनि ही है। तो इसी योनि से हम ट्रेमेंडस ग्रोथ कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम ट्रेमेंडस डाउनफॉल भी हो सकता है हमारा। बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं जब हम धरती पे आते हैं, बहुत बड़ा रिस्क लेकर हम आए हैं, बट हम इसी आशा के साथ आते हैं कि हम नहीं भटकेंगे, बट वेरी सैडली हम में से बहुत लोग भटक जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग हम बैठे हैं, वी शुड फोकस कि हम भटक रहे, बिकॉज मुझसे बेटर कोई नहीं जानता। हम अपने से बेटर नहीं जानते कि हम क्या हैं, क्यों हैं, कैसे हैं। पूरी दुनिया हमारे बारे में जितनी भी वाहवाही कर ले या हमारी जितनी भी बुराई कर ले, मेरे से बेटर नहीं जानता। मैं वाहवाही का पात्र हूं कि मैं बुराई का पात्र हूं, मैं अच्छे से अपने आप को जानती हूं। मेरे से बेटर जज कोई नहीं हो सकता, इसलिए हमें बार बार ये चेक करना बहुत जरूरी है कि हम ने इतना बड़ा रिस्क जो लिया उससे हमको हाई रिटर्न मिल रहा है कि लो रिटर्न मिल रहा है, हम सक्सेसफुल हो रहे हैं कि फेलियर हो रहे हैं। हम वापस जब एस्ट्रल वर्ल्ड में जाएंगे तो हम नीचे के डायमेंशन में धकेल दिए जाएंगे कि हमारा ग्रोथ और ऊपर की तरफ होगा, हमारा प्रमोशन होगा कि डिमोशन होगा। ये सब डिपेंड करता है कि इस शरीर को धारण करने के बाद में हम कैसे आगे बढ़ते हैं। तो रीइनकार्नेशन में सबसे ज्यादा रिस्क है बट सबसे ज्यादा रिटर्न है। स्पिरिचुअल गाइड में उससे कम है, नेचुरल एक टीचर है, एक स्टूडेंट है। अगर स्टूडेंट ने अच्छा किया, टीचर की वाहवाही हो गई, भाई टीचर का भी असेंशन हो गया। स्टूडेंट फेल कर गया तो क्या करे भाई, वो टीचर, वो स्टूडेंट को एक अलग टीचर मिलेगी, उसका डिमोशन हो जाएगा और वो स्पिरिचुअल गाइड भी कोई और सोल के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर रिस्क भी कम है, रिटर्न भी कम है। और सर्विस ग्रुप में तो नो रिस्क है, आप तो वही हो सूक्ष्म जगत में, तो आप अच्छे एनवायरमेंट में हो, फुल्ली कंड्यूसिव एनवायरमेंट, वहां पे तो अच्छा ही होना है, खराब होने का कोई बात ही नहीं है। तो रिस्क बहुत कम है, तो रिटर्न भी बहुत धीरे धीरे धीरे, और आपका ग्रोथ बहुत धीरे, और आपको बहुत समय तक इंतजार करना पड़ेगा अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। तो हर आत्मा खुद ही डिसीजन लेती है कि मैं क्या करूं, स्पिरिचुअल गाइड बनूं कि रीइनकार्नेट करूं कि सर्विस ग्रुप में जाऊं कि रीइनकार्नेट करके भी कहां पे आऊं, कैसा जीवन जीऊं, किस तरह से मरूं, किस तरह से जीऊं। तो एपिसोड तो हमारे सारे फिक्स होते हैं, बट हम उस एपिसोड में कैसे बिहेव करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, वो तो भाई हम इस शरीर में आके ही डिसाइड करते हैं, वो तो ये शरीर ही सब कुछ डिसाइड करती है। तो जब हम इस तरह से बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और एस्ट्रल वर्ल्ड के जब फाइनल डिमेंशन के फाइनल लेवल पे पहुंच जाते हैं, तब हमारी आत्मा फिर से गहरी निद्रा में चली जाती है, सेकेंड स्लीप। पहली स्लीप थी जब एथरिक बॉडी को त्यागा, और अब सेकेंड स्लीप जब हम एस्ट्रल बॉडी को त्यागने वाले हैं, क्योंकि अब समय आ गया है कि अब हम इस एस्ट्रल बॉडी को भी त्याग देंगे। यहां से भी हमारी जर्नी पूर्ण हुई, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और हम एस्ट्रल बॉडी को त्याग कर हम कहां पहुंचते हैं, देव योनि में। हम एस्ट्रल वर्ल्ड के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए, तो वहां पर हम बहुत प्योरिफाइड सोल बन गए हैं, उच्च कोटि की आत्मा, बिल्कुल डिवाइन, बहुत बहुत द बेस्ट, सुपरलेटिव आत्मा बन गए हम। लेकिन अभी भी हमारे अंदर सतोगुण है, गुण है, कौन सा गुण है, सतोगुण है, सतोगुण है हमारे अंदर। तो जब तक कोई गुण रहता है तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष की प्राप्ति के लिए निर्गुण अवस्था में पहुंचना होता है। तो हमारे अंदर हाईएस्ट ऑर्डर का गुण है, बेस्ट गुण है, लेकिन गुण है, इसलिए हम देव योनि में जाते हैं। अगेन ये भोग योनि है, इसको हम सिर्फ भोग सकते हैं, यहां से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जब हम इसको भोग लेते हैं तो वापस से हम जाते हैं नीचे, इसी तरह से रीइनकार्नेशन का पूरा प्रोसेस होता है। भगवान, अब यहाँ पे तो भगवान के समक्ष ही होगा हाईएस्ट ऑर्डर, क्योंकि बस इसके बाद शायद हम भी उसी ऑर्डर के साथ विलीन हो जाएंगे, अद्वैत की स्थिति में जाएंगे। तो हमारा रीइनकार्नेशन का पूरा प्रोसेस होता है, और फिर हम जो फाइनल जो पोजीशन में जाते हैं वो है लिबरेशन, मुक्ति, क्योंकि तब हम निराकार निर्गुण अवस्था में होते हैं, फिर कोई डिजायर नहीं रहता,
देव योनि तक भी हमारे अंदर डिजायर होती है। कैसे डिजायर? परोपकार के डिजायर कि मुझे संसार में और काम करना है। वो आत्मा की जर्नी पूरी नहीं हुई। आत्मा का एक बहुत बड़ा एजेंडा होता है, वो है परोपकार का एजेंडा, कितने और आत्माओं का कल्याण कर सके। ये एक आत्मा का बहुत बड़ा एजेंडा होता है। हमारे जितने तीर्थंकर है, मोक्ष प्राप्ति के पहले उन्होंने सैकड़ों सैकड़ों आत्माओं को का उद्धार किया, तब वो फिर तीर्थंकर की योनि में गए। क्योंकि आत्मा का वो बहुत बड़ा एजेंडा होता है, वो एजेंडा यहाँ आके फुलफिल होता है कि वो फिर से धरती पे जाते हैं, परोपकार करते हैं, जन कल्याण करते हैं। और जब जन कल्याण करके उनको एक संतुष्टि प्राप्त हो जाती, आत्मा की संतुष्टि प्राप्त कर हो जाती है कि बस हो गया, मैंने जो एक एजेंडा लेकर मैं निकला था पता नहीं कितने भव पहले, बस वो मेरी जर्नी कंप्लीट हो गई, मैंने अपने सारे कार्य कंप्लीट कर लिए। ये भी जो फीलिंग है ये आत्मा की खुद की है। भगवान नहीं कहते कि भाई तुम्हारी जर्नी अभी इनकम्प्लीट है, तुम्हें तो अभी और लोगों को का कल्याण करना है, ऐसा कुछ नहीं। आत्मा का खुद का एजेंडा है, आत्मा खुद संतुष्ट होती है, खुद तृप्त होती है कि बस कंप्लीट, और फिर वो निराकार निर्गुण अवस्था में चली जाती है कि अब कोई गुण नहीं, ना सतो रजो और तमो तो कब का खत्म हो गया, सतो गुण भी नहीं, परोपकार की भी भाव कोई भाव नहीं, क्योंकि जो करना था कर लिया, ऑल डन, ऑल कंप्लीटेड, फुल स्टॉप। फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है, लिबरेट हो जाते हैं जब कोई भी डिजायर नहीं रह जाता, सारे डिजायर कंप्लीट हो जाते हैं तो हम लिबरेट हो जाते हैं। और ये हमारे आत्मा की अंतिम अवस्था है, जहां जाके हमारी आत्मा की जो जर्नी है, जो पता नहीं कितने सारे भावों, कितने सारी योनियों से गुजरते हुए यहाँ पर जाके कंप्लीट होती है, द एंड होता है। तो ये थी हमारी पूरी जर्नी। अब हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए ताकि हम अभी से उसका प्रिपेयर्डनेस कर सके। मृत्यु तो आनी है, अटल है, कोई नहीं है जो बोल सके, कितना अमीर का मर नहीं हो, कितना इन्फ्लुएंशियल क्यों ना हो, कि भाई बहुत उसके पास इन्फ्लुएंस है तो भी वो इससे नहीं बच सकता, मृत्यु तो आनी ही है। तो जब मृत्यु आनी है, तो ये बेस्ट तरीके से आए, हमारा प्रिपेयर्डनेस अच्छा हो, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, भाव शुद्धि। भाव सर्वोपरि है, कर्म से वचन से सबसे सर्वोपरि हमारे भाव हैं। अगर भाव शुद्ध है तो हर चीज शुद्ध है, और सूक्ष्म जगत का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो भाव है, कर्मों का मेजरमेंट भाव है। जब भगवान हमें कर्म को अच्छे या खराब कैटेगरी में डालते हैं तो वो भाव को देख के डालते हैं कि अच्छे कर्म थे कि खराब कर्म थे। तो भाव सबसे इंपॉर्टेंट। सेवा, साधना, संकीर्तन, स्वाध्याय, 4S। ये 4S को हमको अपने जीवन में पूर्णतः उतार लेना चाहिए। सेवा, हर मनुष्य कुछ ना कुछ स्पेशल चीज को लेके आए हैं, चाहे हमारे पास धन दौलत अच्छी होगी, चाहे हमारे पास विद्या ज्ञान अच्छा होगा, या कोई भी टैलेंट हमारा अच्छा होगा, बांटिए आप उसको, बांटिए। जितना बांटेंगे, जितना सेवा करेंगे, जितना जन कल्याण करेंगे, जितना आप इस प्रकृति का कल्याण करेंगे, आपका कल्याण होगा, आपकी आत्मा संतुष्ट होगी, क्योंकि परोपकार मूल स्वरूप है आत्मा का। दूसरा, साधना, ध्यान की अवस्था। बिना ध्यान के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं तब हम अपने अंदर उतरते हैं, और जब हम अपने अंदर उतरते हैं तभी हम अपना जजमेंट ले पाते हैं, हम समझ पाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, और हम उनके साथ जुड़ पाते हैं। बातचीत करके हम नहीं जुड़ते, अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ नहीं कनेक्टेड है। हाँ, इसके बाद जब हम मेडिटेशन करेंगे ना, जब मौन अवस्था में ध्यान की गहराइयों में जाएंगे तब हम उनसे जुड़ेंगे। तो साधना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमको संसार में रखकर हमें उनसे कनेक्ट करके रखता है। तीसरा, संकीर्तन, मंत्र जप करना। अभी तो बहुत भक्तामर का पूरा एक वेव आ रखा है, ले लीजिए फायदा उसका, जपते रहिए दिन रात, क्योंकि मंत्र में वो शक्ति है, मंत्र कनेक्ट करता है, मंत्र जो है वो हमारे एक एक चक्र को जागृत करता है,
और जब वो हमारे चक्र जागृत होते हैं तो हमारी चेतना बढ़ती है, तो हम जितना संकीर्तन करते हैं, जितना नाम लेते हैं, जितना मंत्र जाप करते हैं, अजप अजप चलते रहना चाहिए, मंत्र इतना हमारे अंदर चले जाना चाहिए कि हम मंत्रमय बन जाए, सोए तो भी वो मंत्र टेप रिकॉर्डर की तरह हमारे अंदर चलता जाए। जब ऐसी स्थिति आती है तब हम 24/7 कनेक्टेड रहते हैं उस सूक्ष्म जगत के साथ में। और चौथा स्वाध्याय, ज्ञान बढ़ाना, ज्ञानोर्जन करना है। हम जितना स्वाध्याय करेंगे हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमें अपने आत्मा की अनुभूति होगी, और जितना आत्मा की अनुभूति होगी हम शरीर बोध से परे होते जाएंगे, हम सोल कॉन्शियसनेस में ज्यादा जाते जाएंगे। कंप्लीट योर लाइफ पर्पस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम सबको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, और उसको जानने के लिए हम जितना अपनी चेतना को बढ़ाएंगे हमको उतनी क्लैरिटी आती जाएगी अपने लाइफ पर्पस के बारे में। भोगी विलासी इंसान को नहीं समझेगा उसका लाइफ पर्पस क्या है। आपको हायर ऑर्डर चक्रास में जाना पड़ेगा समझने के लिए, कनेक्ट करना पड़ेगा अपने आप को भगवान के साथ में, अपने गुरु के साथ में, तो आपको समझेगा आपका लाइफ पर्पस क्या है, और वो लाइफ पर्पस पे आपको बढ़ना है क्योंकि उसी को पूरा करने के लिए आप आए हैं। और जब तक आप अपने लाइफ पर्पस को पूरा नहीं करेंगे, जन्म मरण का जो साइकिल है, घटनाक्रम है, वो चलता जाएगा। अनकंडीशनल लव एंड फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे यहाँ जो प्रतिक्रमण की प्रक्रिया है बहुत इंपॉर्टेंट, क्षमा वाणी है, एक दूसरे से हम क्षमा मांगते हैं, क्षमा देते हैं, क्षमा लेते हैं, बहुत जरूरी है कि हम ये करें, बिकॉज इससे कर्मों की निर्जरा होती है। और अनकंडीशनल लव का भाव रहे, क्योंकि जो आत्मा का स्वरूप है वो क्षमा और प्रेम का ही स्वरूप है। हम जितना इन भावों के करीब रहेंगे हम आत्मा के करीब रहेंगे, हम जितना इन भावों से परे रहेंगे हम आत्मा से दूर रहेंगे। तो ये सब अगर हमारी क्वालिटीज होंगी तो हम सोल कनेक्टेड रहेंगे, अगर ये क्वालिटी हमारे अंदर नहीं होंगी तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में चले जाएंगे। And then finally keep a check on your desires, क्योंकि डिजायर ही तो हमको लास्ट स्टेज तक लेके जा रहा है। मुक्ति तब तक नहीं मिल रही जब तक डिजायर जीरो नहीं हो जा रहा है, चाहे डिजायर परोपकार का ही क्यों ना हो। सारे डिजायर जब शून्य हो जाते हैं तब उस शून्यता की अवस्था में हम आत्मा और परमात्मा का एकाकार हो पाता है। तो बहुत जरूरी है डिजायर पे चेक रखना, क्योंकि डिजायर ऐसी बहुत ट्रिकी है डिजायर को हैंडल करना। डिजायर को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो वो और प्रचंड रूप ले लेते हैं, जैसे अग्नि में घी डालना। जितने डिजायर को बढ़ावा दिया, आज ये गाड़ी आई, डिजायर हुआ उस गाड़ी का, फिर वो गाड़ी आई, फिर उसका, 4 रूम का कमरा तो 6 रूम चाहिए, 6 रूम तो बंगलो, बंगलो तो ये, तो ये, तो ये, एंडलेस डिजायर्स, एंडलेस डिजायर। डिजायर को जितना पोषित करोगे वो उतना प्रचंड होगा, एट द सेम टाइम डिजायर को अब जितना मारोगे वो उतना प्रचंड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सात्विक भोग के मार्ग पे चले, क्योंकि सात्विक भोग से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हम जितने सात्विक, मुझे आज जलेबी खाने की इच्छा है तो अगर मैं जलेबी नहीं खाऊंगी तो मुझे बार बार हर खाने में मुझे जलेबी दिखेगी, हर खाने में मुझे जलेबी दिखेगी, और एक बार खा लूंगी, उसका रसपान कर लूंगी तो समझ में आ जाएगा हाँ जलेबी ऐसी होती, हो गया, इच्छा खत्म हो गई, बाबा बहुत ज्यादा मीठी थी, इतना मीठा मुझे नहीं भाता, आगे बढ़ गई जलेबी से। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि डिजायर सात्विक होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए। हर चीज खाने, अब मुझे शराब की इच्छा हो गई, कुछ और, पता नहीं आजकल नाना प्रकार कितनी सारी चीजें, ड्रग्स व्रग्स बहुत चीजें निकल गई हैं भाई, हर चीज इच्छा हो गई और मैं उसको करने लगी तो वो तो नहीं चलेगा। डिजायर सात्विक होनी चाहिए, वो तो आपको अपनी चेतना में रखना है कि डिजायर सात्विक होनी चाहिए। और अगर आप ऐसे इंसान हो कि अपने डिजायर पे चेक रख रहे हो तो आपकी डिजायर सात्विक ही होंगी, क्योंकि वो इंसान जो अलग अलग जगह भटक जाते हैं वो तो भटके हुए इंसान, उनको तो पता ही नहीं कि भाई उनका मार्ग क्या है। अगर हम अपने मार्ग पे चल रहे हैं और एक डोर हमारी हमारे प्रभु के साथ में जुड़ी हुई है तो हम सात्विक मार्ग पे ही चलेंगे। लेकिन सात्विक मार्ग में चलते चलते हमको बहुत अच्छा बैलेंस करते जाना है, और बैलेंस करते करते अपनी चेतना को बढ़ाते जाना है। तो जैसे जैसे आप चेतना को बढ़ाते जाओगे अपने आप डिजायर छूटते जाएंगे। पहली बार भक्तामर का अनुष्ठान किया, नियम लिया कि भाई मैं 2 टाइम खाऊंगी, दूसरे टाइम जब किया तो लगा भाई 2 टाइम खाने की इच्छा नहीं हो रही, 1 टाइम ही खाऊं।
तीसरी बार जब अनुष्ठान किया तो एक टाइम भी क्या खाना खाने के पीछे पड़ना, नमक का, चीनी का, सट्रस का त्याग कर देती। चौथी बार जब किया तो भाई उपवास करके करूंगी। अपने आप को डिजायर क्रिएट हो रहा है, ये भी डिजायर है, ये भी डिजायर है, न करना भी डिजायर है बट सात्विक डिजायर है। अपने आप आपके जो दूसरे डिजायर है छुटते जा रहे हैं और आपके जो डिवाइन डिजायर है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। पहले आप नॉनवेज को छोड़ते हो, फिर आप अंडे को छोड़ते हो, फिर प्याज लहसुन छोड़ते हो, फिर और आगे बढ़ते हो तो भाई आपको उस रेस्टोरेंट में भी जाने की, मुझे बहुत लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हम नॉनवेज रेस्टोरेंट में नहीं जाते, पता नहीं एंटर करते स्मेल आ जाता है, हम नहीं खा सकते वहां पर। अब नॉनवेज रेस्टोरेंट में जाना छोड़ देते हो, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हो तो किसी और का हाथ का खाया ना पसंद नहीं आता, पता नहीं कैसे बनाया होगा, शुद्धि है कि नहीं है, अपना ही बस फटाफट 10 मिनट में जो बनाया बना के खा लिया। चेतना का विकास हो रहा है, कोई करा नहीं रहा है, आपकी चेतना स्वतः करा रही है। तो हम जैसे चेतना का विकास होगा डिजायर कम होते जाएंगे, बट हमें हमेशा ध्यान रखना है ना उसको बढ़ावा देना है ना उसको शमन करने की कोशिश करनी है। अगर मैं पहले दिन ही सोचू कि मैं निर्जला व्रत कर लू फेल हो जाऊंगी, तब मेरे भक्तामर के मंत्रों में भी मेरा मन नहीं लगेगा, पूरा दिन आकुलता रहेगी क्योंकि मेरी चेतना नहीं पहुंची है अभी निर्जला के अवस्था में, पूरे दिन आकुलता में मैं पड़ी हूं, अरे भूख भूख भूख, खाली खाना ही दिख रहा है। नाम का तो व्रत कर लिया भाई, दुनिया के सामने थी क्या भाई, बहुत अच्छा व्रत किया, लेकिन अंदर ही अंदर व्रत तो वास क्या, उपवास, उसके साथ वास करना। तो रियल उपवास वो है जब आप उनके साथ वास कर रहे हो, दिन भर मंत्रोच्चारण में लगे हो, सत्कर्मों में लगे हो, अच्छे काम करो, दिन भर आपको भूख 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 लग रही है और दिखाने पे तो आप व्रत कर रहे हो और लग रही है भूख, तो फिर ये आपने क्या किया, आपने अपने डिजायर को जबरदस्ती बंद करने की कोशिश की, इसका नहीं मिलेगा आपको ज्यादा रिजल्ट। और जो अंदर से अपने आप आएगा, फिर भूख अपने आप ही खत्म हो गई, नहीं लग रही मुझे भूख, मुझे भूख ही नहीं लग रही, मैं बस लगी हूँ अपने अनुष्ठान में, लगी हूँ भक्तामर का, दिन रात मंत्रों जाप कर रही हूँ, जो मैंने अनुष्ठान लिया है, जितने संकल्प लिए कि भाई इतनी माला करूंगी, इतना ये करूंगी, जो भी करूंगी, मैं सब करने में लगी हूँ, तो वो रिजल्ट देगा। और वो अपने आप को एक नेचुरल प्रोसेस है, समय देना पड़ेगा, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, आपकी कैसी चेतना उस पर डिपेंड करता है, बट नेचुरली आएगा, हड़बड़ा के नहीं आएगा। तो इन शॉर्ट, वन सेंटेंस में अगर मैं कहूंगी तो रिड्यूस योर कार्मिक लोड एंड रेज योर कॉन्शियसनेस। हम जितनी भी चर्चाएं यहाँ करें उसका एक ही मकसद था कि कैसे हम अपने कर्मों की निर्जरा कर सके, और जैसे जैसे हम कर्मों की निर्जरा करते हैं हम अपने कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को बढ़ाते जाते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा जो ये सेशन था, ये जर्नी ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, ये यहाँ पे पूरी हुई।